गलातियों 2:9। और जब उन्होंने उस अनुग्रह को जो मुझे मिला था जान लिया, तो याकूब और कैफा और यूहन्ना ने, जो कलीसिया के खंभे समझे जाते थे, मुझको और बरनबास को संगति का दाहिना हाथ दिया। हाँ, कि हम दबाव से पड़े। और जब उन्होंने उस अनुग्रह को जो मुझे मिला था जान लिया, तो याकूब और कैफा और यूहन्ना ने, जो कलीसिया के खंभे समझे जाते थे, जो कलीसिया के खंभे समझे जाते। हालेलुया, हालेलुया। जो क्या समझे जाते थे, क्या समझे जाते थे? कलीसिया के खंभे, कलीसिया के खंभे, पिल्लर। ये क्या खड़े हुए हैं? पिल्लर, खंभे, ठीक है, पिल्लर, जिनके ऊपर क्या है, ये छत टिकी हुई है, जिनके ऊपर ये छत टिकी हुई है। तो इन पिल्लरों के ऊपर क्या है? ये छत टिकी हुई है। खंभों के ऊपर क्या है? छत टिकी हुई है इसकी। हालेलुया। गलातियों 2:9 फिर से पढ़िएगा। जब उन्होंने उस अनुग्रह को जो मुझे मिला था जान लिया, तो याकूब, कैफा और यूहन्ना ने, कौन कौन थे खंबे? कलीसिया के खंबे कौन थे? जल्दी जल्दी से, थोड़ी सी बातें आज अपने समझनी है। कलीसिया के खंबे कौन थे? याकूब, यूहन्ना और कैफा। याकूब, यूहन्ना और कैफा कौन था? पतरस। कौन बोला? ये कौन थे? कलीसिया के चेले कितने थे प्रभु यीशु मसीह के? उसके बाद वाले 70। 12 के अलावा कौन कितने थे? 70। 70 के अलावा कितने थे? 120, ठीक है। तो जब कोई आपसे प्रश्न पूछे तो 12 ही कहना है आपको, 11 नहीं कहना। प्रभु यीशु मसीह के चेले कितने थे? 12। 11 हो गए थे, लेकिन तुरंत बाद 12वां उसकी जगह पे चुन लिया गया था। हालेलुया। लेकिन यहां पर जो परमेश्वर के वचन में लिखा है, कलीसिया के खंभे, जिनके ऊपर कलीसिया खड़ी हुई है। बाइबल परमेश्वर के वचन कहते हैं, अगर यहोवा ही ना घर बनाए, तो बनाने वाले का बनाना, पढ़ना, अगर यहोवा ही ना घर बनाए तो बनाने वाले का बनाना व्यर्थ है। उसकी जगह थोड़ा सा और, घर की जगह थोड़ा सा चेंज कर लीजिए। अगर कलीसिया को, परमेश्वर कलीसिया को ना बनाए, तो बनाने वाला का बनाना व्यर्थ है। अगर परमेश्वर कलीसिया को नहीं बनाएगा, तो बनाने वाले का बनाना, पढ़ो, यदि घर को यहोवा ना बनाए, यदि घर को यहोवा ना बनाए, तो उसके बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ होगा। तो उसके बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ है। वो जितनी मर्जी कोशिश करता रहे, फिर कोई में सब कुछ। अगर घर को यहोवा ना बनाए, तो बनाने वाले की मेहनत व्यर्थ है। ऐसे ही घर की जगह सर्च करके पढ़ना, कलीसिया करके पढ़ो, कलीसिया करके। यदि कलीसिया को यहोवा ना बनाए, यहोवा परमेश्वर ना बनाए, तो उसके बनाने वालों का परिश्रम व्यर्थ होगा। परिश्रम यानी कि मेहनत क्या है? व्यर्थ है। यानी कि कलीसिया को कौन बनाता है? परमेश्वर। नूह की किस्ती के अंदर, नूह ने एक एक जानवर को पकड़कर किस्ती के अंदर डाला। क्या लिखा है?
अंदर गए, एक एक करके वो पकड़ने नहीं गया था उनको, अपने आप ही सब आते गए। परमेश्वर ने जिनको चुन लिया अपने आप ही उसके अंदर आते गए, जोड़ा जोड़ा जो भी परमेश्वर जिन जैसे जिस हिसाब से चुना था, शुद्ध अशुद्ध सब हर प्रकार से जो थे, कुछ की संख्या ज्यादा थी। तो वो क्या अपने आप वहां पर पत्र से क्या क्या परमेश्वर ने क्या कहा था, प्रभु यीशु मसीह जी ने क्या कहा था, मैं तुझ पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और तुझ पर अधलोक के फाटक प्रबल ना होंगे। कलीसिया पर अधलोक के फाटक प्रबल, इसका मतलब कलीसिया को कौन बनाने वाला है, परमेश्वर। अगर परमेश्वरी कलीसिया को ना बनाए, अगर परमेश्वरी चर्च को ना बनाए, चर्च मतलब, चर्च मतलब कलीसिया को क्या कहते हैं, चर्च। अगर इसको कहते हैं तो ये क्या है, चर्च बिल्डिंग है। ये क्या है, चर्च बिल्डिंग है। यहां जो चर्च है वो लिखा हुआ चर्च गलातियों दोनों में, वो क्या है, कलीसिया, ये वाले नहीं। जैसे इसके लिए पिल्लर हैं, खंबे हैं, कलीसिया के, कलीसिया के आप लोग क्या हो, कलीसिया आप लोग क्या हो, कलीसिया। हालेलुया, हालेलुया। और ये तीन लोग जो थे क्या थे, खंबे समझे जाते थे। क्या लिखा हुआ है, ये तीन नाम लेकर लिखा हुआ, खंबे कलीसिया के खंबे समझे जाते थे, ठीक है, कलीसिया के खंबे समझे जाते थे। हालेलुया, हालेलुया। तो जब बनाने वाला कौन है, परमेश्वर। कलीसिया को उठाने वाला कौन है, परमेश्वर। अगर यहोवा ने घर ना कलीसिया ना बनाए तो बनाने वाले का बनाना व्यर्थ है। तो फिर इन खंभों की कोई जरूरत थी, ठीक है। परमेश्वर का वचन कहता है हम लोगों ने क्या करना है, परीक्षण करना है। हालेलुया, हमें अपना काम करना है, परमेश्वर ने अपना काम करना है। हालेलुया, 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 हालेलुया। कल से मैंने निर्णय लिया है कि कलीसिया के लिए और अधिक मैं मेहनत करूंगा। हालेलुया। लेकिन कल से मैंने यह फैसला किया है, पहले भी हम लोग कलीसिया से बहुत प्रेम करते हैं, क्यों करते हैं, क्योंकि परमेश्वर मसीह ने क्या कहा पतरस से, पतरस क्या तुम मुझसे, मुझसे प्रेम करता है। कितने लोग हैं, मान लो परमेश्वर मसीह आपसे पूछते हैं, क्या आप परमेश्वर मसीह कहते हैं, मैं नहीं, परमेश्वर मसीह कहते हैं, क्या तुम मुझसे प्रेम करता है, परमेश्वर मसीह कह रहे हैं, आप क्या कहेंगे, हाँ प्रभु जी, यही कहोगे कि नहीं कोई भी नहीं है आप में। अगर आज पहली बार कोई आया है वो भी क्या करेगा, हाँ प्रभु जी, ठीक है। लेकिन जो लोग समझते हैं, परमेश्वर पूछते हैं क्या तुम मुझसे, तो पतरस ने कहा हाँ प्रभु जी मैं करता हूं। तो प्रभु ने कहा अच्छा ठीक है, बहुत बढ़िया, मैं तुझे बहुत ब्लेस करूंगा, बहुत आशीष दूंगा, ऐसा कहा। फिर प्रभु यीशु मसीह जी ने कहा अगर तू मुझसे प्रेम करता है तो मेरे भेड़ों को चरा, मेमनों को चरा, भेड़ों की रखवाली कर। रखवाली करने वाला कौन है, परमेश्वर। रखवाली करने वाला कौन है, रखवाली करने वाला कौन है, हालेलुया, हालेलुया। फिर परमेश्वर मसीह ने क्यों कहा, फिर परमेश्वर मसीह ने क्यों कहा, क्योंकि यहां इस धरती पे परमेश्वर मसीह जी ने अपने लोगों के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेवारी सौंपी है, पतरस को सौंपा है यह सब काम कि क्या कर तू, अगर तू मुझसे प्रेम करता है तो प्रभु ने यह नहीं कहा तू ये करके दिखा, एक दिन एक पूरे एक पाम पे खड़ा रहे है ना और ये कर, ऐसा नहीं कहा। क्या कहा, अगर तू मुझसे प्रेम करता है तो फिर मेरे भेड़ों को चरा, मेमनों को, मेमने कौन होते हैं,
और भेड़े, फिर अलग अलग क्या हुआ? अलग अलग क्या हुआ? भेड़े होती हैं जो थोड़ी समझदार होती हैं, मेमने होते हैं जो अभी छोटे होते हैं, बच्चे होते हैं। मेमने जो होते हैं भेड़ों के, मेमने मतलब बकरी के वाले नहीं, मेमने जिसे अपनी भाषा में लेला कहते हैं, उसका अनुवाद यहां ये दिया गया है, मेमना भेड़ का जो होता है, लेला कहते हैं ना अपने, लेला कहते हैं, ठीक है, लेले की बात हो रही है, भेड़ बकरी का नहीं। मैं बकरी के मेमने को नहीं चराना चाहता, क्योंकि आपको पता है बकरियां कहां होंगी, कहां खड़ी कही जाएंगी, जब स्वर्ग में बकरियां किस साइड पे होंगी, बाईं साइड पे, पता ना, दाहिनी साइड पे कौन होंगी, भेड़े, और दाहिनी साइड पे भेड़ों को से क्या कहा जाएगा, आओ क्या है, स्वर्ग राज्य तैयार है। बकरियों से क्या कहा जाएगा, तुम्हारे लिए नरक तैयार है, इसलिए बकरियों को नहीं चराना चाहते हम। तो जो लाइव देख रहे होंगे, जहां कोई आज कोई नया आया होगा, उन्हें कहना है पास्टर जी तो आज भेड़ बकरियां चरा रहे हैं। ये एक भेड़ें जो होती हैं वो चरवाहे के पीछे चलती हैं। हालेलुया। जो बकरियां होती हैं चरवाहा उनके पीछे चलता है डंडा लेकर। शायद आपको नहीं मालूम, तो इस बात को समझना, पूछना, पता कर लेना, बकरियों के पीछे डंडा लेकर चलना पड़ता है। वो कभी इधर घूमेंगे, इधर जाएंगे, इधर जाएंगे, इधर जाएंगे, कुछ करेंगी, लेकिन भेड़े ऐसा नहीं होती, चरवाहा आगे चलेगा, भेड़े पीछे चलेंगे। हालेलुया। और भी बहुत सी खासियत है भेड़ों में। भेड़ को बड़ा शरीफ, हलीम, दीन माना गया है, और बकरियों को थोड़ा दूसरी प्रकार से माना गया। खैर, तो कल से मैंने ये निर्णय लिया कि और अधिक कैसे कलीसिया को संभाला जाए, उस पर कल से मैं मनन कर रहा हूं, विचार कर रहा हूं, और अधिक ज्यादा कैसे परमेश्वर को समय दिया जा सके, और अधिक, क्योंकि है तो 24 घंटे, क्रिसमस के बाद 25 घंटे तो है नहीं, 24 ही है, तो कैसे ज्यादा परमेश्वर को समय दिया जा सके, कैसे ज्यादा परमेश्वर से प्रेम किया जा सके, कैसे ज्यादा जो है परमेश्वर को प्रसन्न किया जा सके, कैसे ज्यादा परमेश्वर की इच्छा को पूरा किया जा सके। हालेलुया। और हर एक व्यक्ति का, कई बार हम लोग भी बहुत मजबूर होते हैं, हर एक व्यक्ति का हम लोग कोशिश चाहते हैं कि ध्यान रखें, चमत्कार किसके जीवन में होना है, चमत्कार किसके जीवन में होना है, आपके, ठीक है, जब आपके जीवन में परमेश्वर चमत्कार करते हैं, वो आप हम लोग को नहीं बताते, ठीक है, लेकिन जो आपके बोझ हैं, कोई रह गया एक आधा, उसको अपने रखते हैं। जो ग्लास आपको भरा हुआ दूध का दिया, उसमें से इतना सा कम था, जो कम है वो आकर बताते हैं, ग्लास में दूध इतना सा कम था, ग्लास भरा हुआ नहीं था, पास्टर जी प्रार्थना कीजिए। अरे इतना सा जो भरा हुआ, इतना उसके बारे में भी बताओ कि हमारे इतना बड़ा ग्लास दूध का भरा हुआ मिला। हालेलुया, हालेलुया, ठीक है। आपके जो बातें हैं, आपकी बातें कौन सुनता है, कहाँ लिखा है, मलाकी 3 अध्याय, ठीक है, मलाकी 3 अध्याय 16 में, शायद 16, 17, 18 में होगा, नहीं 16 में, तो क्या लिखा है कि परमेश्वर का भय मानने वालों ने आपस में बातें की, तो कौन ध्यान देकर सुन रहा था, परमेश्वर ने ध्यान धरकर सुना, पढ़ना, तब यहोवा परमेश्वर का भय मानने वालों ने आपस में बातें की। परमेश्वर का भय मानने वालों ने, आप कौन हो, परमेश्वर का भय मानने वाले, परमेश्वर का भय मानने वालों ने आपस में बातें की, और यहोवा ध्यान धरकर उनकी सुनता था। क्या करते थे परमेश्वर, ध्यान धरकर
कैसे सुनते थे? ध्यान धरकर। आपको पता ध्यान क्या होता है? जब अंदर सास और ससुर आपस में थोड़ी सी बात कर रहे हों तो कई बार रसोई में बहू होती है तो ध्यान धरकर सुनती, थोड़ा सा मतलब अंदर गुस्से में बात चल रही हो तो ध्यान धरकर सुनती है, बड़ा क्या हो रहा है। परमेश्वर ध्यान धरकर सुनते हैं, ध्यान धरकर बीच क्या बातें कर रहे हैं। और फिर और जो यहोवा का भय मानते और उसके नाम का सम्मान करते थे उनके स्मरण के निमित्त उनके सामने एक पुस्तक लिखी जाती थी। हाँ, तो क्या होता था? ये बातें सारी लिखी जाती थी। हालेलुया। जब परमेश्वर आपकी बातों को ध्यान धरकर सुनते हैं और आप कैसी बातें करते हैं, कैसी बातें करते हैं, कौन? परमेश्वर का भय मानने वाले। यानी कि जब आप अच्छी बातें करते हैं, परमेश्वर के भय में रहकर अच्छी बातें करते हैं, परमेश्वर ने वहां तो ऐसा हो गया, परमेश्वर ने वहां तो ऐसा कर दिया, परमेश्वर ने वहां तो ऐसा कर दिया, वहां बड़ा चमत्कार हुआ, है ना। और कल जैसे मैं बता रहा हूँ, सोनी बड़ा खुशी से बता रहा था, बाहर बड़ी भीड़ लगी थी, कोई कह रहा था वहां तो ऐसा था, कोई कह रहा था बड़ा वहां तो ऐसा था, ऐसा था, ऐसा था, है ना। तो वो ऐसी बातें परमेश्वर ध्यान धरकर सुनते हैं और क्या होते हैं, लिख भी लेते हैं। परमेश्वर क्या करते हैं? इस बातों से प्रसन्न होते हैं। जब परमेश्वर ऐसी बातें सुनकर प्रसन्न होते हैं तो हम क्या हैं? हम तो मनुष्य हैं। परमेश्वर ने हमें ठहराया, अभिषेक किया ताकि हम लोग परमेश्वर की कलीसिया को क्या करें, संभाल लें, उनकी देखरेख करें। तो हम लोगों तक जब ऐसी बातें पहुंचती हैं तो हम लोग भी उसे ध्यान धरकर सुनते हैं और क्या होते हैं, आनंदित होते हैं। फिर मन करता है और ऊंची छलांगे लगाएं, परमेश्वर के लिए कुछ करना अपने। तो जब आप ऐसी खबरें लेकर आते हैं, खबरें बताते हैं, बातें मतलब करते हैं, परमेश्वर क्या होते हैं, ध्यान देकर सुनते हैं और लिखते हैं। तो इसका मतलब जब आपकी अच्छी बातें हम तक पहुंचती हैं, हो सकता मैं एक एक की बात नहीं सुन पाता, लेकिन आप लोग जब बात करते हैं और वो हमारे लोग मुझ तक बात को पहुंचाते हैं जैसे भी, तो ये बातें सब क्या होती हैं, हम लोगों में उत्साह पैदा करती हैं और फिर हम लोग उठते हैं, चलो ठीक है जैसे भी हैं, चलो और सही। चार चार घंटे तक यहां नहीं खड़ा जाता, फिर भी जब हमें उसका फल लिखा है, तुम क्या करोगे, रोते हुए, भजन संहिता में क्या लिखा है, तुम रोते हुए बोओगे और जय जयकार करते हुए लबने पाओगे, काटोगे। हालेलुया। तो कई बार क्या होता है, रोते हुए ही करते हैं, इतना इतना होता है। अभी क्रिसमस से पहले दोपहर में कई बार मैं रेस्ट कर लेता हूँ, क्योंकि रात लेट तक हम लोग जागते हैं, भी थोड़ी देर रेस्ट कर लूँ। तो इन दिनों में पिछले महीने दिसंबर की बात कर रहा हूँ, मैंने कहा दोपहर में थोड़ा सा भी नहीं सोना, क्योंकि अगर सोऊंगा तो एक घंटा आधा घंटा जो है वो नष्ट हो जाएगा। आंखें बंद हो रही हैं ऐसे ऐसे करके, आंखें बंद हो रही हैं। फिर बेड के ऊपर बैठ गया, तो बैठा बैठा क्या कर रहा हूँ, सो रहा हूँ, बैठा बैठा सो रहा हूँ। मैंने कहा कोई बात नहीं, बैठा बैठा अगर सो जाऊंगा तो आधा मिनट सोऊंगा, एक मिनट सोऊंगा, फिर उठकर क्या करना है, काम करना है। हालेलुया। और जैसे कल की बंदगी इतनी सफल रही, ठीक है, तो हम कहते हैं और ज्यादा प्रभु के लिए मेहनत करें, परमेश्वर के लिए मेहनत करें। हालेलुया। ठीक है, इसलिए जब आपकी बातें ऐसी आती हैं जो क्या करती हैं, नीचे की ओर धकेलती हैं, तो फिर क्या है, हम लोग हो कहते हो क्या क्या फायदा, बिस्तर से भी बाहर निकलने का मन नहीं करता, सुन 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 का सुन सुन का। फिर ये होता है, इसने भी यही बुरी खबर दी, उसने भी बुरी खबर दी, उसने भी बुरी खबर दी, अब चौथा आ रहा, अब इधर साइड पे हो जाते हैं, अब वो भी यही कहेगा, मतलब कोई ना कोई
बीमारी जो भैंस ने दूध नहीं दिया ना, तो ये होता है। घर में लड़का पैदा हुआ, खुशी और आनंद मना रहे हैं, खुशी की बात नहीं बताएंगे, ठीक है, जो दूसरी है वो खबर सुनाएंगे। खैर, आप जो भी बातें करते हैं याद रखें, सब उपदेश लास्ट लास्ट में पढ़ना, सब उपदेश लास्ट लास्ट। जितनी भी परमेश्वर का भय मानते हैं उनकी बातों को कौन सुनता है? परमेश्वर ध्यान धरकर सुनते हैं और लिखी जाती हैं। और जो परमेश्वर का भय नहीं मानते हैं उनकी बातें नहीं सुनते परमेश्वर, सुनते कि नहीं सुनते? ठीक है, आज आपसे बातें करनी है मैंने वचन में से, ठीक है। जल्दी से सब उपदेश लास्ट लास्ट। क्योंकि परमेश्वर सब कामों और सब गुप्त बातों का, सब गुप्त बातों का, चाहे वे भली हो या बुरी, चाहे भली हैं वो बातें चाहे बुरी। अध्याय बोलो, 12 अध्याय। हाँ जी, सब उपदेशक 12 अध्याय और उसका 14 वचन। 14 वचन सब उपदेशक लास्ट लास्ट, इसलिए मैंने बोला था किताब लास्ट में नहीं है, सब उपदेशक आखिरी अध्याय का मतलब आखिरी पैरा। परमेश्वर सब कामों और सब गुप्त बातों का, चाहे वे भली हो या बुरी, न्याय करेगा। परमेश्वर क्या करेंगे? न्याय करेंगे। जो परमेश्वर का भय मानते हैं उनकी बातों को परमेश्वर ध्यान धरकर रखते हैं और क्या करते हैं? सुनकर यादगारी की पुस्तक में लिखते हैं, है ना। कम से कम वहां 2 पुस्तकें हैं, एक कौन सी है स्वर्ग में, एक कौन सी है जीवन की पुस्तक, दूसरी यादगारी की पुस्तक। तो यादगारी की पुस्तक में यह सब लिखा जाता है, जीवन की पुस्तक में नहीं लिखा जाता यह सब, क्योंकि अगर वहां लिखा गया फिर गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि आप पता नहीं कैसी कैसी बातें करते हैं। वहां सिर्फ नाम लिखे हुए हैं जिनको अनंत जीवन मिला है, लेकिन यहां आपकी सब बातें लिखी हुई हैं। और जो परमेश्वर का भय नहीं मानते उनको छूट नहीं है, जो परमेश्वर का भय नहीं मानते परमेश्वर उनकी सारी बातों का न्याय करेगा। बातें का मतलब क्या होता है? जो आप मुंह से कह रहे हो, बोल रहे हो, परमेश्वर सारी बातों का क्या करेगा? न्याय करेगा। हालेलुया, हालेलुया। तो क्या कह रहे थे हम लोग? वो कौन थे? कलीसिया के खंबे थे, कलीसिया के खंबे थे। खंबा समझ गए ना? पिल्लर, पिल्लर और क्या कहते हैं, कॉलम, पिल्लर, जिनके ऊपर ये छत जो है टिकी हुई है, खंबे, कलीसिया के खंबे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपको क्या बनना है? आपको क्या बनना है? आपको क्या बनना है? कलीसिया के खंबे। खंबे के ऊपर क्या है? छत टिकी होती है। मैंने शुरू में वचन क्यों वो आपसे कह रहा था कि कलीसिया को बनाने वाला कौन? परमेश्वर। परमेश्वर ने कहा मैं कलीसिया को मैं बनाऊंगा, पत्रस से भी कहा था मैं तुझ पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। नूह के समय में भी किस्ती के अंदर परमेश्वर ने सब जानवरों को भेजा था, वो पकड़ने नहीं गया था नूह। कलीसिया के अंदर परमेश्वर लोगों को क्या करते हैं? भेजते हैं। चमत्कार किसने करने? परमेश्वर ने करने हैं। हालेलुया। उसके बावजूद भी परमेश्वर के वचन में ये लिखा है कि आप को क्या बनना है? कलीसिया के खंबे बनना है। हालेलुया। कलीसिया को परमेश्वर ने बनाना है, कलीसिया को परमेश्वर ने चलाना है, कलीसिया के अंदर चमत्कार परमेश्वर ने करने हैं, किसी मनुष्य ने नहीं, किसी पास्टर ने नहीं, किसी लीडर ने नहीं, परमेश्वर ने करने हैं। लेकिन उसके बावजूद ही परमेश्वर ये चाह रहे हैं कि आप कलीसिया के क्या बने? खंबे बन जाएं। कलीसिया आप ये पट्टी की रहे, आप खंबे बने हैं, खंबे। आपको क्या बनना है? कलीसिया के खंबे। बीमारियों से चंगाई पाना है जी, दुष्टात्मा छुटकारा पाना है जी, ये क्या कौन है? नए लोग हैं, ये बच्चे लोग हैं, नए लोग हैं, ठीक है। और फिर यही बाद में क्या बन जाएंगे? खंबे बनेंगे कलीसिया के।
लेकिन आप लोग जो पुराने लोग हो, जिन्होंने परमेश्वर को पा लिया, जो जिन्होंने परमेश्वर को पहचान लिया, जिनको परमेश्वर ने पहचान लिया, जिनको परमेश्वर ने अपना बना लिया, आप लोग जिन्होंने परमेश्वर को अपना बना लिया और परमेश्वर को पहचान लिया, और परमेश्वर ने भी आपको अपना बना लिया, वचन में लिखा है, और परमेश्वर ने भी आपको पहचान लिया, अपना बना लिया, आप लोगों को क्या बनना है? कलीसिया के खंभे बनना है। हालेलुया, हालेलुया। ठीक है, चार खंभों के ऊपर क्या है? एक कमरे की छत टिकी हुई होती है, चार खंभे और उसके ऊपर लेंटर लगा होता है, जैसे छत टिकी होती कमरे की भी, रूम की आपके भी, बीच में क्या होती हैं? दीवारें, ईंटें। ईंटें क्या होती हैं? अगर हट भी जाएं तो छत फिर नीचे नहीं आते, छत वैसी रहती है, ईंटें हट भी जाएं। लेकिन अगर खंभे हटते हैं तो छत में क्या होता है? तरेड़ आ जाती है, दराड़ आ जाती है। इसलिए खंभे को मजबूती के साथ अपनी जगह पे खड़े रहना है, खंभे को मजबूती के साथ खड़े रहना है। खंभा ये नहीं कह सकता नहीं नहीं मैं तो थक गया हूं बस, कह सकता है अब मैं क्या करता हूं, थोड़ी देर रेस्ट करूंगा, क्योंकि क्या हो गया, मैं थक गया, पिछले एतवार का मैं खड़ा हूं और मैं अब क्या हो गया, थक गया, मैंने तो बहुत भागदौड़ कर ली, मैंने तो बहुत मेहनत कर ली, मैं तो इधर गया था उधर गया था। मतलब कलीसिया को संभालने के लिए खड़े रहना, ऐसे नहीं खड़े रहना, मतलब वचन के लिए मुझे खड़ना है, बात अलग है, तो भी अब मैं थक गया, अब नहीं हो पाएगा। ठीक है, क्या करना है? खंबा कहे भी मैं तो यहां यहां खड़े खड़े नहीं, ये काम करते करते तो मेरे 2 साल 4 साल हो गए, अब मैं क्या है, चार खंबे हैं। वो कहते हैं चलो ठीक है, यहां से हट जाता हूं, मैं हट सकता है। आपको कलीसिया के खंबे बनना है, खंबे जो हैं कलीसिया के, उन्हें मालूम है कि उनकी जिम्मेदारी, उन्हें उनकी जिम्मेदारी क्या है। आपको जो कलीसिया के खंभे हैं, आपको पता होना चाहिए कि आपकी जिम्मेदारी क्या है। ईंटें आगे पीछे होती रहती हैं, जो लेकिन जो पिल्लर होते हैं वो नहीं होते, वो नहीं हटते। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो आपको देखो, कोई पिल्लर किसी बात के लिए है, कोई किसी जगह पे है, कोई किसी जगह पे है, सब एक ही जगह पिल्लर हो। मान लो यहां पर मैं खड़ा हूं, यहां पर अगर एक ही जगह पे 5 पिल्लर जहां खड़े कर दें और उधर कोई भी पिल्लर ना हो, फिर कोई फायदा नहीं है। और आप कहो भी यहां स्टेज के ऊपर यहां पर मैं पिल्लर बन के खड़ जाऊं, तो यहां तो एक पिल्लर खड़ा ही है, ठीक है, एक इधर खड़ जाएगा, वहां भी जरूरत है पिल्लर की, वहां भी जरूरत है पिल्लर की, वहां भी जरूरत है। हालेलुया। जहां जहां आपकी ड्यूटी लगाई जाती है, वहां आप कलीसिया के लिए प्रभु उनसे प्रेम करते हैं तो खंभा बन के खड़े जाएं। हालेलुया। एक पिल्लर बनकर खड़े जाएं, मजबूत, अटल, हिलना नहीं वहां, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए अगर मैं थक गया, अगर मैं नीचे हो गया, तो ये क्या है, छत भी नीचे हो जाएगी, कलीसिया भी प्रॉब्लम हो जाएगी। आपको कलीसिया के खंभे बनना है। कितने लोग बनना चाहते हैं? प्रभु आपको आशीष करें, हाथ नीचे कीजिए। देखिए, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें पता नहीं होता, पहली बार आए होते हैं, लेकिन फिर भी वो क्या करते हैं, हाथ खड़ा। कुछ लोग कहते हैं कि हमारे अंदर से दुष्ट आत्मा निकल जाए, पर फिर भी हाथ खड़ा कर देते हैं, दूसरों का देखा देखी। देखिए, जो लोग जानते हैं वो बात को समझें।
वजन किस पे आता है? छत का वजन किस पे आता है? तो पिल्लर में इतनी क्षमता होनी चाहिए, इतनी ताकत होनी चाहिए कि वो वजन सह सके। जो वहां हम लोग बना रहे हैं, शुरुआत में टॉयलेट ब्लॉक बन रहा है, बहुत बड़ा, उसके अंदर हम लोग ग्रिट और सीमेंट और वो सब डाला हुआ है, सरिया वगैरह नीचे ही, इतना कुछ। अगर आप पिल्लर हैं तो आपको ये पता भी होना चाहिए कि क्या है मेरे ऊपर वजन आएगा और वजन मुझे सहना है। किसका वजन? कलीसिया का, शत का, कलीसिया का, ये आपको वजन सहना है। ये बातों को समझकर इस नए साल में, ठीक है, अभी पिल्लर तैयार करने हैं अपने। नए साल में हम लोग क्या कर रहे हैं? खंभे तैयार कर रहे हैं। बहुत बार आप लोग सोचते हैं हम लोग मेहनत की, लेकिन अनदेखी की गई हमारी। ऐसा नहीं होता, हम लोग देख रहे होते हैं कि अब क्या है, इतनी किसकी पढ़ाई होगी है, इतनी किसकी पढ़ाई होगी है। जब तक चोटी तक नहीं पहुंचता, उतनी देर तक उसके ऊपर वजन नहीं डाला जाता। कि डाल देते हैं पिल्लर, जब यहां इतना ही है तो पिल्लर, लेकिन है इतना ही, उसके ऊपर छत डाल देंगे। जब तक वो चोटी तक ऊपर तक नहीं पहुंचता, उतनी देर तक छत नहीं डालती, यानी कि उतनी देर तक उसके ऊपर वजन नहीं डाला जाता। अब वो समय आ गया है जब आप जाग जाएं। वचन में क्या लिखा है? हे सोने वाले जाग, और मुर्दों में से जी उठ, तामसी का नूर तुझ पे, परमेश्वर का नूर तुझ पे। अब वो समय आ गया है, बल्कि अभी है। वचन में क्या लिखा है? अब वो समय आ गया है, बल्कि अभी है। क्या बनने का? मेरा भूत निकाल दो, मेरा भूत निकाल दो, मेरा भूत निकाल दो, ये वाला बनने का? ये नए लोगों का काम है। नए बेचारे दुखी आते हैं, उन्हें पता ही भी नहीं है, दुखी बीमार परेशान आते हैं, उनका हम स्वागत करते हैं, उनके लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं, उनके लिए हमारी टीम के लोग लगातार प्रार्थना करते हैं, सब लोग चर्च के जितने लीडर लोग प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर उन्हें आराम आए, चंगाई आए। लेकिन आप लोग जो पिल्लर बनना चाहते हैं, जब पिल्लर अपने आप को समझ रहे हैं, आपको मजबूती के साथ खड़ना है। हालेलुया, हालेलुया। पिल्लर के अंदर कोई खोट नहीं होनी चाहिए। हाँ मिस्त्री, पिल्लर के अंदर खोट नहीं होनी चाहिए कोई भी। ये पिल्लर खोखलाता हो, पिल्लर खोखला तो वजन नहीं उठा पाएगा, पिल्लर खोखला तो इसलिए क्या करते हैं हम लोग, वहां जनरेटर चलाते हैं और फिर पिल्लर के अंदर जब माल डालते हैं, फिर क्या करते हैं? न्यूजल है ना, तो वाइब्रेटर करते हैं सब, वो क्या हो जाता है ना, कोई भी खालीपन नहीं रहता है ना। वो बेचारे जो पिल्लर होता है कहता, मैं तो आराम से ही था, मैं तो अच्छे से खड़ा था, मैं तो शांति में था, ये पता नहीं क्या छोड़ दिया, मुझे पूरा हला के रख दिया। जब आपको पूरी तरह हलाया जाता है ना वचनों में, कभी कभी, ठीक है, क्योंकि मौका नहीं मिलता, हर बार यही होता है, प्रभु यीशु मसीह चंगाई और छुटकारा देंगे। जब हलाया जाता है थोड़ा तो फिर होता तो है, लेकिन उस समय आप क्या हो रहे होते हैं? मजबूत हो रहे होते हैं। पिल्लर मजबूत हो रहा है, पिल्लर मजबूत हो रहा है, और जब पिल्लर मजबूत हो रहा है तो फिर उसके ऊपर वजन आएगा, छत उसके ऊपर टिकेगी। देखिए, मरना सबने है, मरना इब्रानी 9:21 में क्या लिखा है? एक बार मरना और एक बार न्याय का होना पक्का है। मरना सबने है, एक बार कोई तो बाथरूम में पैर तिलक जाता है मरता है, कोई सीढ़ियों से गिर जाता है मर जाता है, कोई एक्सीडेंट में मर जाता है, कोई बीमारी से मर जाता है, कोई महामारी से मर जाता है,
कोई परमेश्वर के लिए मरता है। मरना सबने है, लेकिन मरने में संसार में आए और मर गए कहानी खत्म। जब मरना ही है तो कुछ ना कुछ परमेश्वर के लिए तो करें। जिसने आपको प्राण दिए हैं, जिसने आपको सांसें दी हैं, जिसने आपको जीवन दिया है, कम से कम वहां तो, अरे इस यहां पर आंखें बंद होते ही, एक पलक झपकते ही वहां आंखें खुलेंगी असली जगह पे। हालेलुया। और जो वहां जाएगा वो कहता है, अरे मैं पहले क्यों नहीं आ गया। नीचे वाले कहते हैं, अरे क्यों चला गया। ऊपर वाला कहता है, मैं पहले क्यों नहीं आ गया, जो तो मूर्ख है जो रो रहे हैं नीचे। हालेलुया। तो कुछ करके ही जाएं। अब आपकी मर्जी है, दीवार बनना है कि पिल्लर बनना है। अगर खंबे बनना है तो आपको वजन उठाना है, आपको काम करना है, आपको मेहनत करनी है। किसके लिए? कलीसिया के लिए। खंबे किसके बनना है? कलीसिया के। मेहनत किसके लिए करनी है? कलीसिया के लिए। जो कलीसिया के लिए मेहनत करेगा वो ही खंबा बनेगा। अब इन दिनों में क्रिसमस से पहले हम लोग काफी तैयारी कर रहे। एक दिन पहले ही सब लोग, जितने भी थे टीम के लोग, सब वहां गए थे। सब तो नहीं, एक आधा नहीं गया था, लेकिन जितने भी गए थे पूरा दिन क्या किया? मेहनत की। तो अगर आपको खंबे बनना है तो वजन उठाना है, मेहनत करनी पड़ेगी, टाइम देना पड़ेगा। अंदर से आपके अंदर एक आग होनी चाहिए, अंदर आपके एक कुछ होना चाहिए कि मैंने परमेश्वर के लिए कुछ करना है, मैं खंबा बन के खड़ना है। अरे पास्टर जी नहीं देख रहे, कोई बात नहीं, परमेश्वर तो देखते हैं। मुझे कोई कह रहा था कि पास्टर जी जब पास में होते तो वो व्यक्ति काम करता है, जब पास्टर जी पास में नहीं होते तो फिर ढीला हो जाता है। मैंने कहा पास्टर से बड़ा है जो हमेशा ही देखता रहता है, परमेश्वर तो देखते ही हैं। हम लोग आपके पास नहीं होंगे, कोई बात नहीं, परमेश्वर तो है। हम लोग दूसरे काम में आगे इधर चले गए, परमेश्वर तो है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि प्रतिफल तो परमेश्वर नहीं देना है। अगर पास्टर जी के मन में भी परमेश्वर ही डालेंगे भी इसको ऐसा करना है, जिसको ऐसा नहीं करना, ठीक है। तो अगर पास्टर की आंखों से ऊंजल भी हूं, परमेश्वर की आंखों से तो ऊंजल नहीं है कुछ भी। परमेश्वर की आंखें तो लगी हुई हैं, परमेश्वर के तो कान लगे हुए हैं आपकी ओर। हालेलुया। तो इन दिनों में हम लोग, कल परमेश्वर ने मुझसे कुछ बातें की, आज सुबह भी मैंने जब प्रभु के चरणों में थोड़ी देर गया तो मुझे ये वचन दिया परमेश्वर ने, कलीसिया के खंभे। हालेलुया। तो अब आप अगर कलीसिया का उठाना चाह रहे हैं तो वजन, मेहनत करना चाहते हैं, मजबूती के साथ दृढ़ होकर खड़े रहना चाहते हैं, तो आपको क्या बनना है? खंबे बनना है। और अब से हम लोगों ने शुरू कर दिया है चिन्हित करना, भी एक पिल्लर है इसको यहां पर फिट करना है, ये पिल्लर है इसको यहां फिट करना है। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो आपको क्या बनना है? कलीसिया के खंभे बनना है। देखिए रोमियो 8:35 पढ़ना, रोमियो 8:35 वचन। कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? क्या कलेश या संकट या उपद्रव या अकाल या नंगाई या जोखिम या तलवार? कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? रोमियो 8:35 में लिखा, मसीह के साथ जो अपना प्रेम है कौन अलग कर सकता है? कोई भी शक्ति,
जो हमारा परमेश्वर के साथ प्रेम है उससे हमें अलग नहीं कर सकती, कोई भी शक्ति अलग नहीं कर सकती। हाँ, 38-39, क्योंकि मैं निश्चय जानता हूँ, मैं निश्चय जानता हूँ कि ना मृत्यु, ना तो मौत, ना जीवन, ना ही जीवन, ना स्वर्गदूत, ना स्वर्गदूत, ना प्रधानताएं, ना वर्तमान, ना भविष्य, ना सामर्थ, ना ऊंचाई, ना गहराई और ना कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु यीशु मसीह में है अलग कर सकेगी। कोई भी वस्तु हमें मसीह के प्रेम से अलग नहीं कर सकती। कोई तलवार, कोई कुछ भी हो, संकट, उपद्रव, कुछ भी होता रहे, मसीह के प्रेम से हमें कोई भी अलग नहीं कर सकता। देखिए, पढ़ना एक वचन पढ़िए पहले, इब्रानियों 11 अध्याय उसका 36 वचन। इब्रानियों 11 अध्याय 36, 37 और 38 वचन। इब्रानियों 11 अध्याय 36, 37 और 38। कई एक ठट्ठों में उड़ाए जाने, क्या हुआ, कईयों को ठट्ठों में उड़ाते थे, कईयों को ठट्ठों में उड़ाया गया, मखौल करते थे, मसीह लोगों की बात हो रही है, तो भी उन्होंने कोई परवाह नहीं की, और कोड़े खाने, कईयों को कोड़े मारे गए, वरन बांधे जाने, कईयों को बांधा गया, और कैद में पड़ने के द्वारा, कैद में कहीं पड़े, परखे गए, परखे गए, कईयों को मखौल उड़ाए, ये मसीह बन गए हैं, फलाना है, ये है, वो है, कईयों को कोड़े मारे गए, कईयों को कैद में डाला गया। ये सब क्या होते रहे, पुराने नियम की बातें हैं, ये सब परखे गए। हाँ, पथराव किए गए, कईयों के ऊपर पथराव किया गया, आरे से चीरे गए, कई लोग आरे से भी चीरे गए, क्या किया, एक तख्त कहते हैं, क्या नाम है इसका, गेट का जो एक साइड होती है पल्ला, एक पल्ला आगे एक पल्ला पीछे गेट का, ऐसे करके बीच में उसको व्यक्ति को रखकर साइडों में किल्ट होकर बीच में से आरे से चीर दिया। कई आरे से चीरे गए, उनकी परीक्षा की गई, ऐसे होने के द्वारा उनकी परीक्षा की गई, तलवार से मारे गए, कई तलवार से मारे गए, पौलुस को क्या किया था, तलवार से मारा था। हाँ, वे कंगाली में, चाहे कंगाली में, कलेश में, उनके पास कोई पैसा नहीं था, कंगाल थे, लेकिन बाइबल में लिखा है दूसरों को धनी बनाते थे, खुद कंगाल थे लेकिन दूसरों को धनी बना देते थे। हालेलुया, हालेलुया। और कलेश में, कलेश में और दुख भोगते हुए, भेड़ों और बकरियों की खाले ओढ़े हुए, भेड़ों और बकरियों की खाले ओढ़े हुए क्या करते थे, क्योंकि इन्हें जिंदा पकड़कर जलाया जाता था, इसलिए वो क्या कर किया, उन्होंने भेड़ की खाल उतारकर अपने ऊपर खाल पहन ली, और जंगल में ऐसे लोग देखने वाले को लगता था, नहीं नहीं ये बंदा नहीं है, ये क्या है, भेड़ है, पशुओं की खालें पहन ली ताकि पता ना चले भी कौन है, ऐसे संकट भी आए, लेकिन वो पिल्लर जो थे, जो खंबे थे, खड़े रहे। हाँ, इधर उधर मारे मारे फिरे, और जंगलों और पहाड़ों और गुफाओं में और पृथ्वी की दरारों में भटकते फिरे, संसार उनके योग्य ना था, संसार उनके योग्य ना था, विश्वास ही के द्वारा इन सब के विषय में अच्छी गवाही दी गई, विश्वास के कारण इनके विषय में अच्छी गवाही दी गई, तो भी उन्हें प्रतिज्ञा की हुई वस्तु न मिली। बस 39 तक के, 38 तक, तो ऐसे दुख सहे, कोई भी संकट हो, कुछ भी हो, वो हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकता। बहुत से जो पिल्लर होता है, नहीं नहीं मैं तो मैं नहीं खड़ा रह सकता, मैं तो ये करना है, मैं नहीं खड़ा रह सकता, मैं तो ये करना है, मैं नहीं खड़ा रह सकता, मैं तो ये करना है,
पिल्लर की मर्जी नहीं, पिल्लर की मर्जी नहीं चलेगी, पिल्लर को लगाने वाले की मर्जी चलेगी। हालेलुया। पिल्लर को लगाने वाला कौन है? परमेश्वर है। उसने लगा दिया, खड़ा कर दिया, अब उसकी मर्जी चलेगी। आपकी मर्जी नहीं, नहीं मैं नहीं, यहाँ नहीं, नहीं मैं तो जा रहा हूं। आज सब लोग थक रहे हैं क्योंकि आज कुर्सियां नहीं लगी हुई, कुर्सियां वहीं पर हैं, अगले संडे के लिए वहीं पहुंचा दी थी, वापस नहीं लेकर आए। हालेलुया। आपको अगर आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो क्या बनना है? कलीसिया के खंबे बनना है, थम बनना है। हालेलुया। फिर फिलिप्पियों 3:14 पढ़िएगा, फिलिप्पियों 3:14। निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं, हाँ, ताकि वे इनाम पाऊं। मैं निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं ताकि वह इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं, फिलिप्पियों 3:14। निशाने की ओर पौलुस क्या कहता है? मैं निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं। मेरा निशाना क्या है? निशाना मतलब लक्ष्य, टारगेट। मैं निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं ताकि वे इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। हम में से जितने सिद्ध हैं, हाँ, यही विचार रखें। हाँ, हालेलुया। निशाने के लिए और दौड़ा जाता हूं, अब निशाने की ओर दौड़कर जा रहा हूं तो इनाम। अच्छा देखिए, जो दौड़ होती है, ठीक है, आपको मालूम है आज के हिसाब से वो सब लाइन में खड़े होते हैं, दौड़ना होता है, मालूम वहां तक दौड़ना, उसको हाथ लगाना है और फिर वहां तक वहां पहुंचना होता है, ठीक है। वहां जो एक पहले जाएगा एक नंबर पे रहेगा, दूसरा गया दूसरे पे, तीसरा नाम मिलेंगे। अब जैसे यहां से आजकल तो फायर करने लगे हैं, नहीं तो पहले वो झंडा जो था वो ऐसे कर देते थे और दौड़ शुरू हो जाती थी। अब यहां से वो दौड़ रहा है किसकी ओर? निशाने की ओर। और जो दौड़ के वहां पहुंचेगा उसको क्या मिलेगा? इनाम मिलेगा। जो थोड़ा सा कम रह गया, पीछे रह गया, उसको इनाम मिलेगा, चाहे दूसरा मिले, चाहे तीसरा मिले, थर्ड, फिर 5, 6, 7, 8, 10, 15 को नाम नहीं, 1, 2, 3 ही, मैंने तो यही सुना हुआ, देखा भी हुआ है, ठीक है। तो हम लोग किसकी ओर दौड़े? निशाने की ओर। और निशाना क्या है? निशाना क्या है? कलीसिया के खंबे बनना है। हालेलुया। यह सभ्य वस्तु में तुम्हें मुफ्त में मिल जाएंगी। निशाना हमारा ये नहीं है, मेरा घर बन जाए, मेरा प्लाट बन जाए, मेरा ये बन जाए, मेरा वो बन जाए, मेरा ये हो जाए, मुझे ये मिल जाए, मुझे ये मिल जाए। ये सब तुम्हें मिलेगा कैसे? मुफ्त में। दुनिया दिया इस चीजा चूंगे च मिल दिया ने, दुनिया दिया चीजा चूंगे च मिल, चंगाई मिल गई मुफ्त, चमत्कार होते गए मुफ्त में, सब कुछ, लेकिन दौड़ना है किसकी ओर? निशाने की ओर। हालेलुया। हमारा निशाना, हमारा लक्ष्य क्या है? आज परमेश्वर के वचन के अनुसार जो आपसे बात कर रहा हूं, क्या है? कलीसिया के खंबे बनना है। हालेलुया, हालेलुया। कलीसिया के खंबे बनना है। मैंने देखा कई लोग नए आते हैं, आकर खंबा बन के खड़े हो जाते हैं, कई लोग 10 साल के होते हैं, वो बस दीवार ही बने रहते हैं। आपको क्या बनना है? कलीसिया के खंबे बनना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ऊपर से पढ़ना 13 इसका, फिलिप्पियों 3:13। हे भाइयों, मेरी भावना ये नहीं कि मैं पकड़ चुका हूं। जाके मैंने दौड़ लगाई और वह वहां लक्ष्य था, उसको हाथ लगा लिया मैंने,
पलुस कह रहा है, ये नहीं है मेरी भावना कि मैं तो वहां पहुंच गया हूं, जो निशाना रखा था वहां तक पहुंच चुका हूं, हाँ, परंतु केवल ये काम करता हूं कि जो बातें पीछे रह गई हैं उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ। फिर भी क्या करता हूँ, निशाने की ओर दौड़ा ही चला जा रहा हूँ, ताकि वे इनाम पाऊं, ताकि वह इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है, जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे बुलाया है। हालेलुया। अगर आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो आपको कलीसिया के खंभे बनना है, खंभे बनना है तो आपको उस लक्ष्य की ओर क्या करना है, दौड़ना है, उस निशाने की ओर दौड़ना है। जब आप एक नंबर पे आएंगे तो आपको फर्स्ट नाम दिया जाएगा, सेकंड पे आएंगे सेकंड, थर्ड पे आएंगे थर्ड, कम से कम पहला नहीं तो दूसरा नहीं तो तीसरा तो ले ही ले। अब कोई दौड़ रहा, मान लो यहां पर लाइन लगी हुई है और 500 मीटर की दौड़ है, वहां पहुंचना है दौड़कर लक्ष्य की ओर, निशाने की ओर, और जैसे दौड़ने लगे और क्या होता है दोनों साइडों पे क्या होता है, भीड़ होती है, दर्शक होते हैं देखने वाले, भीड़ वाले शोर मचाने शुरू कर देते हैं कुछ भी। अब जैसे दौड़ रहे हैं, अब किसी ने क्या किया जो साइड साइडों पे थे, क्या पानी की बोतल फेंक दी, क्या फेंक दी, वो दौड़ रहा था, बीच में किसी ने क्या कर दिया, पानी की बोतल फेंक दी, तो वो क्या करता है, ठहर जा रुक एक मिनट, किसने फेंकी थी, अच्छा इसने फेंकी, क्या करता है वहीं से पानी की बोतल को उठाएगा और क्या करेगा, उसे जिसने उसकी और बोतल फेंकी उसके ऊपर क्या करेगा, फेंकेगा, तूने फेंकी है, बोलो ऐसा करेगा, अगर ऐसा करेगा तो पीछे रह जाएगा, तो दौड़ में पहुंच नहीं पाएगा, निशाने पर पहुंच नहीं पाएगा, और वो जो इनाम है उसके लिए मुक्त है वो उसको पा नहीं पाएगा। उसका तो शैतान का तो कुछ भी नहीं गया, उसका तो कुछ भी नहीं गया जिसने बोतल फेंकी, उसका क्या है, ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा, मतलब आज के हिसाब से उसके ऊपर को केस करेंगे, जहां रोला गोला पाया जाए, इतनी भीड़ में पता नहीं चलता फेंकी किसने, अगर पता भी चलेगा तो भी कोई नहीं, मान लो क्या करेंगे, वो रुकेगा नहीं, क्या करेगा, निशाने की ओर दौड़ेगा। आपको पता कितनी गेमों में क्या हो रहा है, कितनी गेम चल रही है, जैसे क्रिकेट में भी कुछ ऐसी बातें क्या होती हैं, बाहर जो गैलरी में लोग होते हैं वो कुछ ना कुछ कमेंट कर देते हैं, समझ रहे, कमेंट फोन पे नहीं मुंह से बोलकर एक दूसरे के देश के लोगों को, तो मान लो वो जा रहा जा रहा जा रहा निशाने की ओर दौड़ रहा है, किसी ने क्या कर दिया, कमेंट कर दिया, कुछ बोल दिया, उल्टा पुल्टा बोल दिया, तो वो वहां रुक जाएगा, रुक ठहर जा, पहले तो तेनू में दसना पता कि निशानी कर दौड़ेगा। अगर आपको कलीसिया के खंभे बनना है तो आपको आपका ध्यान कहां होना चाहिए, निशाने पे। हालेलुया। एक व्यक्ति था, टाइम हो रहा है, एक व्यक्ति था वो सीख रहा था निशाना लगाना, उसने अपने उस्ताद, उस्ताद कहते हैं जो सिखाने वाला होता है, टीचर, उसने उसे तीर चलाना सिखा रहा था उन्हें, तो सिखाता रहा सिखाता रहा सिखाता रहा, कई दिन निकल गए, कई और भी थे, तो एक दिन उसने कहा चलो मैं टेस्ट लेता हूं थोड़ा आपका। एक पेड़ था, किसका, कीकर का, टाली का, बबुल का, एक पेड़ था, उसके पेड़ के ऊपर उसने क्या किया, एक मछली को टांग दिया, और उसने एक व्यक्ति को बुलाया, कहता विरजेश इधर, अब क्या कर तू, नाम लेकर कहा, निशाना लगा, आप टेस्ट ले रहा था, आप पास में खड़ा था, उसने ऐसे करके तीर की, सबको पहले बोल दिया था कि आपको निशाना कहां लगाना है, मछली की आंख में लगाना है, उसको बोला हाँ भी निशाना लगा ऐसे करके, कहता हाँ तुझे क्या दिखा, उसने ऐसे जब पूरा कर लिया, हाँ तुझे क्या दिखाई दे रहा, कहता मुझे पेड़ दिखाई दे रहा है,
अच्छा पेट दिखाई दे रहा, उसने कहा तो रहने दे, दूसरे को बुलाया, उसने कहा निशाना लगाना, उसने कहा तीर लगाने की जरूरत नहीं, तुझे क्या दिखाई दे रहा है, उसने कहा मुझे पेड़ के ऊपर मुझे मछली दिखाई दे रही है, उसने कहा तू भी रहने दे, तीसरे को कहा, उसने ऐसे तैयारी कर ली, कहता तुझे क्या दिखाई दे रहा है, उसने कहा मुझे मछली की आंख दिखाई दे रही है, उसने कहा छोड़ दे तीर सीधा आंख में, उसका लक्ष्य सिर्फ जो था निशाना जो था वही था जहां पर उसने तीर मारना था, उसे सिर्फ आंख दिखाई दे रही थी और कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, किसी को पेड़ दिखाई दे रहा था, किसी को कुछ, किसी को कुछ। आप कलीसिया के खंभे बनना, आप ये प्रभु ने मुझे वचन दिया है, हालेलुया, कि कलीसिया में खंभे खड़े किए जाएं, हालेलुया हालेलुया, ताकि परमेश्वर के लोगों की यानी कि कलीसिया की ज्यादा से ज्यादा देखभाल की जाए, ताकि कलीसिया के दुखों परेशानी के समय उनके साथ खड़ा रह सके, ताकि उनके दुखों को सुन सके, उनकी परेशानियों को सुन सके, उनको प्रभु के आगे रखें और प्रभु परमेश्वर उनकी परेशानियों को दूर करे, बिचवाए का काम कर सकें, ताकि कलीसिया के जो भी बोझ हैं, कोई भी पीड़ा है, उनको एक पिल्लर बनकर हम लोग क्या करें, खड़े रह सके, संभाल सकें, हालेलुया। क्यों? क्योंकि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, हमारे प्रेम में खोट हो सकती है, लेकिन बड़ी बात है, क्यों? क्योंकि परमेश्वर हमसे प्रेम करते हैं, हालेलुया, इसलिए हमें करना है। हम बहुत बार बेवफा होते हैं परमेश्वर के, लेकिन परमेश्वर कभी भी बेवफा नहीं होते, हालेलुया हालेलुया। पलोस कहता है ये नहीं कि मैं लक्ष्य की ओर पहुंच गया हूं, लेकिन मैं तो दौड़ा तो जा रहा हूं ना, कम से कम आप दौड़ शुरू करें, हालेलुया, निशाने की ओर, लक्ष्य की ओर। और आज जितने भी लाइव मुझे सुन रहे हैं या चर्च में हैं, आप पिल्लर बन जाएं, मजबूती के साथ कलीसिया को संभालने वाले बने, कुछ खाना खिलाने की जगह पे मजबूती से संभालते हैं, कुछ स्टेज के ऊपर संभालते हैं, कुछ साउंड को संभालते हैं, कुछ लाइव को संभालते हैं, कुछ आराधना को संभालते हैं, कुछ गेट पे संभालते हैं, और कुछ धन से कलीसिया को संभालते हैं। जो लोग चर्च के लिए धन भेजते हैं, अपना पैसा भेजते हैं, वो भी क्या कर रहे हैं, का पिल्लर हैं, हालेलुया, वो कलीसिया को संभालते हैं। इसलिए ही कलीसिया की जो हैं जरूरतें जो होती हैं, कलीसिया की जरूरतें का मतलब उनके घरों की जरूरतें नहीं, चर्च की, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने जो नए साल का मुझे वचन दिया उसमें क्या कहा है, लोग याद किसी को तांता बांध के आएंगे, लोग तांता बांध कर आएंगे, कल मैंने बताया था आपको, और आकर जय जयकार करेंगे, दान लेने के लिए आएंगे, दान मतलब अपने धन संपत्ति की आशें लेने के लिए आएंगे, और परमेश्वर ने वो सब दान देगा, मुफ्त में देगा, हालेलुया 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 हालेलुया। तो इसलिए कलीसिया के खंभे बने, निशाने की ओर दौड़े। कोई बोतल फेंक रहा है, कोई कमेंट कर रहा है, कुछ उल्टा पुल्टा बोल रहा है, आपका लक्ष्य क्या है? सब कुछ कान बंद, मुंह बंद, सिर्फ वहां पहुंचना है, हालेलुया, उस मुकुट को पाना है। यह भी लिखा हुआ है कहीं ऐसा ना हो कि तेरा मुकुट कोई दूसरा ले जाए, हालेलुया हालेलुया। आज प्रार्थना स्टार्टिंग में जब देरी हुई तो मुकुट किसको मिल गया? इंदिरा को मिल गया, ठीक है, मुकुट इंदिरा को मिल गया, ठीक है, और शीतल को मिल गया, हालेलुया हालेलुया। तो ऐसा ना हो कि आपका मुकुट कोई दूसरा ले जाए। अगर मान लो मैं काम नहीं करूंगा तो मेरी जगह फिर तो कोई दूसरा तो आएगा ही, ठीक है। आप क्या बने? कलीसिया के खंभे बने, उस दौड़ को निशाने, जो निशाना है उसकी ओर दौड़ें। मान लो वहां जाना है, पीछे की ओर नहीं दौड़ना, वहां आगे की ओर दौड़ें, हालेलुया हालेलुया। 16 वचन पढ़िएगा, पर मैं कहता हूं, 16 से लेकर 25 वचन तक, 5 का 16 से लेकर
25 वचन, पर मैं कहता हूँ आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी न करोगे, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है, और ये एक दूसरे के विरोधी हैं, इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वह न करने पाओ। और यदि तुम आत्मा शरीर के और आत्मा क्या है, एक दूसरे के विरोधी हैं। शरीर ये कहता है कि ये जो ये करना चाहते हैं वो ना कर सकें, इसलिए शरीर क्या करता है, विरोध करता है। शरीर, हाँ फिर से पढ़ो, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है। आपको मालूम है जब आत्मा क्या कहता है, थोड़ी देर प्रार्थना करते हैं, शरीर क्या करेगा, नहीं नहीं थका हुआ हूँ, ऐसा हूँ, कोई नहीं बाद में करते हैं, शरीर कहेगा। आत्मा कहे प्रार्थना करते हैं, आत्मा कहेगी, आपके साथ हुआ कभी, जो कहते नहीं हुआ वो झूठ बोलते हैं, क्योंकि मेरे साथ भी कई बार ऐसा होता है। आत्मा कहेगी प्रार्थना करनी है, शरीर कहेगा नहीं नहीं बाद में, पहले ये पहले वो पहले ये पहले यो पहले ये, सभी काम जरूरी थे पर इबादत ही टलती गई, बाद में कर लेंगे बाद में कर लेंगे बाद में कर लेंगे। एक ये है, मतलब शब्द है ये, सभी काम शेर है ये, ऐसा कहो, सभी काम जरूरी थे मगर इबादत ही टलती गई, इबादत ही टलती गई। अच्छा चंगा बाद में करते हैं, अच्छा ठीक बाद में कर लें, अच्छा ठीक बाद में कर लें, ये भी जरूरी है पहले कर लें, ये जरूरी पहले ये कर लें, अच्छा इबादत बाद में कर लेंगे, ये पहले जरूरी है इसको कर लें, प्रार्थना बाद में कर लेंगे। इबादत ही एक टलती गई, बाकी सभी काम जरूरी थे वो तो होते गए। कितनी बार आत्मा कहती है लेकिन शरीर जो है वो गड़बड़ कर देता है। हाँ, ये एक दूसरे के विरोधी हैं, इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वो न करने पाए। हाँ, जो तुम करना चाहते हो वो ना कर सको, इसलिए शरीर क्या है, विरोधी, हमेशा रुकावट डालता है। हाँ आगे, और यदि तुम आत्मा के चलाए चलते हो तो व्यवस्था के अधीन न रहे। शरीर के काम तो प्रकट हैं, शरीर के काम तो क्या है, प्रकट हैं, शरीर के काम तो प्रकट हैं, अर्थात व्यभिचार। ये सब क्या है, किसके काम है, शरीर के काम है। हाँ, व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, ढा, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम हैं। इनके विषय में मैं तुमसे पहले से कह देता हूँ, जैसा पहले कह भी चुका हूँ, कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस न होंगे। ऐसे लोग क्या है, जो शरीर के काम करते हैं, परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। इसमें से आप चुनते जाइएगा और अंदर रखते कि बाहर निकालते जाइए, बाहर निकालते जाइए, अंदर नहीं रखना। ये अंदर हैं तो शरीर का काम इनको क्या करते जाएं, देखते रहो, ये मेरे अंदर है, ये तो नहीं है, ये है, इसको बाहर निकालना है क्योंकि नया साल आ गया। ये अंदर है और इसको बाहर निकालना है, ये नहीं है, ये भी नहीं है, प्रभु का धन्यवाद, ये भी नहीं है, प्रभु का धन्यवाद, ये अंदर है। झगड़ा, वैर, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डा, मतवल्लापन, लीला क्रीड़ा, चेक करते जाइएगा आप। और नए साल आ गया है, क्या करते जाएं, इसे बाहर निकलते जाएं। आप देख लीजिए कौन कौन सा आपके पास है ऐसा अंदर है, क्योंकि परमेश्वर सिंह जी ने कहा ये क्या करता है, तुम्हें अशुद्ध करते हैं। इसमें चेक कर लीजिए, प्राश्चित के दिन का इंतजार मत कीजिएगा, जो दिन आएगा उस दिन करेंगे, और इन्हें बाहर निकालते जाइएगा। पर आत्मा का फल, आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा,
भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। और जो आत्मा के फल हैं, इन्हें क्या कहते हैं? ये बार, अच्छा बार नहीं निकालना, ठीक है। इन्हें क्या करते जाइए? अंदर चेक कर लीजिएगा, पहले तो चेक कर लीजिए आत्मा का फल प्रेम, सोचिएगा दिमाग में, अभी सोच लो आत्मा का फल प्रेम है कि नहीं है? नहीं है तो अंदर ले लीजिए आज। आनंद है कि नहीं? शांति, धीरज है कि नहीं है? क्योंकि धीरज की घटी बहुत होती है, मुझ में भी कम मात्रा में है धीरज है, ठीक है। कृपा, पल्याई, विश्वास, नम्रता और संयम, संयम की भी कमी कम होती है। नौ हैं ये। आत्मा के फल कितने हैं? और पवित्र आत्मा के वरदान कितने हैं? नौ हैं। ये अलग अलग है, वो वरदान हैं, समझे इस बात को, वो क्या है? वरदान हैं। और ये क्या है? फल है। वरदान तो क्या मतलब, क्या मुफ्त में मिलेंगे? पवित्र आत्मा के वरदान इनको विकसित करना पड़ेगा, पानी डालें, पानी डालें, फिर जाके किन्नू लगेंगे, खाद डालेंगे, देखभाल करेंगे, बचाव करेंगे, फिर जाके इनको विकसित करना पड़ता है, आत्मा के फलों को विकसित करना पड़ता है, वैसे नहीं। ये नौ कम से कम इन्हें याद रखिए, इनको अंदर लीजिए। और छह अध्याय उसका सात से लेकर दस वचन तक पढ़ेंगे, छह अध्याय सात से दस। धोखा न खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता। धोखा न खाओ, परमेश्वर ठट्ठों से नहीं उड़ाया जाता। धोखा न खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता। ये अंतिम वचन है, फिर उसके बाद हम लोग प्रार्थना करेंगे। धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्ठों से नहीं। क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। मनुष्य जो कुछ बोता है, ये सिर्फ जब आप भेंट संडे की देते हैं, जब अपनी मनते हैं, जब अपना बीज बोते हैं, जब भी आप टेंट के लिए जो बीज बोने वाले हैं, बीज बो रहे हैं वैसा ही काटेंगे, वो बात नहीं है। लेकिन ये तो वो है जो आत्मा के लिए बोता है। दोबारा से पढ़ना, सात से दस तक पढ़ना इसको। धोखा न खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता। क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है, मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा, वही काटेगा। मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। जो आप बोते हो वही आप काटोगे। क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है, अगर आप अपने शरीर के लिए बोओगे, वे शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा, तो विनाश की कटनी काटोगे। शरीर के लिए क्या बो रहे हैं? अभी जो कुछ शरीर के काम अपने पड़े हैं, अगर आप वो बो रहे हैं तो वही काटोगे आप, फिर वो आत्मा का फल नहीं काटोगे वहां पर। हाँ, और जो आत्मा के लिए बोता है, अगर आप आत्मा के लिए बो रहे हैं, वे आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। जो आत्मा के लिए बोता है वो अनंत जीवन में, आत्मा के लिए अनंत जीवन की कटनी काटेगा। हालेलुया। अब आपकी इच्छा है इस नए साल में, अब क्या आप करना चाहते हैं? आज आपको सोचना है, आज आपको विचार करना है। हर वक्त हम लोग यहां स्टेज पे परमेश्वर के वचन का प्रचार करते हैं, मसीह आपको बहुत से आशीष देने वाले हैं, आप खुश होते हैं, हाँ आमीन। आज परमेश्वर से आपसे कुछ मांग रहे हैं। यहां से हमेशा हम कहते हैं परमेश्वर मसीह की आशें आप पर आ रही हैं, आप खुश होते हैं, आमीन, हालेलुया। जितने लोग लाइव देख रहे हैं, परमेश्वर का अभिषेक आपके ऊपर आ रहा है, हाँ आमीन, हालेलुया। आपकी बीमारियां परमेश्वर मसीह के नाम से निकलती हैं, हाँ आमीन, हालेलुया। दुष्ट आत्माएं भाग रही हैं, हाँ और हालेलुया, आमीन। परमेश्वर स्वर खोलकर आपके ऊपर आशीषों को ढेर रहा है, हाँ आमीन, हालेलुया। आप कहते हैं, खुशी मनाते हैं, ऊपर के स्वर की आशें और नीचे की गहरे जल की आशें, वचन में लिखा था, आपके ऊपर आ रही हैं, आप खुश होते हैं, हाँ आमीन, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर की सब बातें आपको देने के लिए हो रही होती हैं। आप कहते हैं ये भी, ये भर जाए, ये भी भर जाए, ये भी भर जाए, सब भर कर जाना है, और जाना भी है भर कर ही, खाली नहीं जाना, क्योंकि परमेश्वर आपको खाली नहीं भेजना चाहते। हालेलुया। वो सब देने की बातें होती हैं,
आज लेने की बातें हैं। आज क्या है, परमेश्वर आपसे कुछ मांग रहे हैं। हालेलुया। जितने भी शरीर के काम हैं आप अपने अंदर रख लीजिए, बाहर निकालने हैं, वहां से एक एक करके चेक कर लें, जितने भी हैं सब चेक कर लें एक एक करके, नहीं तो घर जाकर चेक करना, पर फिर आप कह नहीं बाद में करेंगे, अभी चेक कर लो अपने मन में। ये सब बातें जो हैं वो प्रभु को दे दे, क्योंकि प्रभु उन्हें बाहर निकालना चाहते हैं। हालेलुया। और आज परमेश्वर आपसे कुछ मांग रहे हैं और वो कहते हैं क्या तुम मुझसे प्रेम करता है, परमेश्वर कहते हैं क्या तुम मुझसे प्रेम करती है। हालेलुया। परमेश्वर आज आपसे कुछ मांग रहे हैं, मैं चाहता हूं आप खड़े हो जाएं ताकि हम प्रार्थना करें। परमेश्वर आपसे कुछ मांग रहे हैं, परमेश्वर आपसे कुछ मांग रहे हैं। परमेश्वर आपसे कुछ मांग रहे हैं, क्या मांग रहे हैं? आपका प्रेम, आपका प्रेम। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जी कहते हैं क्या पतरस, क्या तुम मुझसे प्रेम करता है? आपका नाम लेकर कहते हैं, पतरस का नाम लेकर पूछा, आपका नाम लेकर पूछते हैं क्या तुम मुझसे प्रेम करता है। अगर आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं, अगर आपका जवाब हां में है कि हां प्रभु यीशु मसीह जी मैं आपसे प्रेम करता हूं, हे प्रभु यीशु मसीह जी मैं आपसे प्रेम करती हूं, तो प्रभु का यह उत्तर है आपसे दूसरी बात कहते हैं ठीक है। कलीसिया की, कलीसिया की क्या कर, देखभाल कर। हालेलुया, 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 हालेलुया। कलीसिया की देखभाल कर, तो देखभाल करनी तो क्या बन जाए आप, कलीसिया के खंभे, पिल्लर, कलीसिया के खंभे बन जाएं, कलीसिया का वजन को उठाएं। हालेलुया। कलीसिया के आप खंभे बन जाएं, और खंभा बनने के लिए उस दौड़ में दौड़ना शुरू करें, एक दिन से नहीं आप बन जाएंगे, दौड़ना शुरू करें उस दौड़ में। और जब आप उस दौड़ में दौड़ रहे हैं, इनाम पाने के लिए आप दौड़ रहे हैं, कलीसिया का खंभा बनने के लिए आप दौड़ रहे हैं, तो इधर से कोई आपके ऊपर पानी की बोतल फेंके, इधर से कोई आपको कमेंट करे, कुछ भी करे, आपका लक्ष्य सिर्फ निशाना जो है वही है। हालेलुया। आपके अंदर शरीर के काम जो हैं वो बातें आपके अंदर अगर हैं वो आएंगी जब लोग आपके ऊपर बोतल फेंक रहे हैं, आपके ऊपर कमेंट कर रहे हैं, आपको बरमाने की कोशिश कर रहे हैं, आपको उलझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपका लक्ष्य जो है आज का वचन के अनुसार वो है कलीसिया का खंभा बनना, आप दौड़ते रहें। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो प्रार्थना करनी शुरू कर दीजिए, ओरिबा ना खबा बरो सोबोनी तने के बेबेरे से बल्ला खबा रनामा। प्रभु से कहें कि मैं आपसे प्रेम करता हूं, आप कहते रहें, आप प्रभु से बात करें कि हे प्रभु यीशु मसीह जी मैं आपसे प्रेम करता हूं, हे प्रभु यीशु मसीह जी मैं आपसे प्रेम करती हूं, हे प्रभु यीशु मसीह जी मैं आपसे प्रेम करता हूं। प्रभु से कहें मैं कलीसिया का एक खंभा बनना चाहता हूं, मैं कलीसिया का खंभा बनना चाहती हूं, होरी बाला खबा बरुस खबा ननमा। मैं उस निशाने की ओर दौड़ना चाहता हूं, मैं उस निशाने की ओर दौड़ना चाहती हूं, रास्ते में हर एक उलझाने वाले पाप को, हर एक बाधा को हटाकर, जैसे वचन कहता है निशाने की ओर दौड़ना है। होरी बाला खबा बरुस खबा ननखा रिबिनी थमा मना था खबा ननमा। कोई भी व्यक्ति कितने भी कमेंट करता रहे, कितना भी आपको सताता रहे, कितना भी आपको नीचे की ओर धकेले, कितना भी आपको रोकने की कोशिश करे, उतना ही आप स्पीड से आगे दौड़िए। हालेलुया। आप स्पीड से आगे दौड़िए, जब आप दौड़ेंगे लोग
कमेंट करेंगे, रोकेंगे, रुकावट डालेंगे, ताकि शरीर रुकावट डालेगा ताकि आप आत्मा की इच्छा पूरा ना कर सको, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में है। लेकिन जितने लोग आत्मा के द्वारा चलाए चलते हैं वही परमेश्वर के पुत्र हैं। वचन में लिखा है जितने लोग आत्मा के द्वारा चलते हैं वही परमेश्वर के पुत्र हैं। हालेलुया। आज प्रभु से कहें, आप प्रभु से बात करें, आप प्रभु यीशु मसीह जी से कहें, जो लोग बनना चाहते हैं वो लोग, सिर्फ वो लोग। अब सब लोग मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, आंखें खोलिए, मेरी बात को ध्यान से सुनिए। सब लोग नहीं, लेकिन सबके लिए मैं प्रार्थना करूंगा, सिर पे हाथ रख के प्रार्थना करूंगा, उस बात को एक बार अलग कर दीजिए। अभी सोच समझ के जब मैं कहूं, अपनी आंखों को बंद करके आधा मिनट आपको दूंगा मैं सोचने का। सोचने के बाद आपने निर्णय लेना है। अगर आप कलीसिया के खंभे बनना चाहते हैं, सारी बातें मैं आपको समझा दी हैं, प्रभु यीशु मसीह जी ने जो मुझे लिखवाया था मैंने आपको सुना दिया। अगर आप कलीसिया के खंभे बनना चाहते हैं तो आंखें बंद कीजिए, आधा मिनट सोचिए और उसके बाद आगे आ जाइए। सिर्फ वो लोग, सब लोग नहीं। अभी मैं प्रार्थना नहीं करने वाला, बीमारों के लिए नहीं प्रार्थना करने वाला, दुष्ट आत्मा के लिए प्रार्थना नहीं करने वाला, करेंगे, उनके लिए समय आएगा। लेकिन अभी सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ वो सोच समझकर, आत्मा के द्वारा सोच समझकर, शरीर के द्वारा नहीं, क्योंकि शरीर विरोधी है। आत्मा के द्वारा सोच समझकर अगर आप कलीसिया के खंभे बनना चाहते हैं, अगर आप समझ गए हैं इस बात को, इसका अर्थ क्या है, तो आप आगे आ जाइए। खबर सी खबर पता बरस खबर नमा। आगे आ जाइए, आगे आगे आ जाइए स्टेज के पास। जो लोग कलीसिया के खंभा बनना चाहते हैं, ये वेदी है। सोच समझ के आइएगा। इसका मतलब यह नहीं कि आपको नौकरी छोड़नी है, इसका मतलब यह नहीं कि आपको जॉब छोड़नी है, लेकिन कलीसिया का जो वजन है उसको उठाना है। सब लोग नहीं, सिर्फ वो लोग। मैं आपको पूछूंगा और फिर आपको उत्तर नहीं आएगा। अगर आपको कुछ नहीं पता चला तो आप पीछे रहिए। जब मैंने कुछ पूछ लिया भी किस लिए आप आगे हुए हो, आपको पता होना चाहिए किस लिए आप आगे गए। आगे आ जाइए वेदी के पास। बहने इस साइड पे रहें। आज उनके लिए मौका है, जो जो लाइव मुझे देख रहे हैं, आप भी वादा कर सकते हैं। अगर आप कलीसिया का पिल्लर बनना चाहते हैं, कलीसिया खंभा बनना चाहते हैं, तो आपके लिए भी एक मौका है। लेकिन यह ना हो कि दो दिन के बाद हम लोग देखें, चार दिन के बाद हम लोग देखें, अरे यहां तो पिल्लर खड़ा था, पिल्लर कहां है, ये छत नीचे, यहां नीचे की ओर क्यों आ रही है, पिल्लर तो गायब हो गया। पिल्लर गायब नहीं होना चाहिए। चाहे आप धन के द्वारा कलीसिया की मदद कर रहे हैं, पिल्लर बन के खड़े हैं, चाहे आप सेवा कार्य के द्वारा पिल्लर बन के खड़े हैं, कैसे भी
जो आप संभालते हैं कामों को, यानी कि जो कलीसिया की देखभाल करने के लिए आप खड़े हैं, खंभे बने हैं, वो लोग सोच समझ कर निखबा रसा बना था ना खबर ओ सिखा बर लसबा री बना था बार सिख दिरी री बिशिदरी सिखा होरी भी मिनित ना सब लसा बना था ना खबर ओ सुख होरी भी निन कबीरी नी मिते री बेत गेरे रे बिशिदर सखला बबर ओ सुख बनी नी था होरी भी नित नी मिते बेरे रे बिशिदरी बिशिदा बाल बर रसा खबर नमा होरी भी सिखा ला बाल ला खबर ओ सुख बनी तमा ना खबर रसा सो जितने लोग दूसरे लोग हैं वो लोग थोड़ा सा पीछे हो जाइए। बीमारों के लिए हम हमेशा प्रार्थना करते हैं, दुष्ट आत्मा वालों के लिए हमेशा प्रार्थना होती है, हर संडे होती है। पवित्र आत्मा पाने के लिए भी हर संडे प्रार्थना होती है, धन संपत्ति की आशय पाने के लिए भी हर संडे होती है। लेकिन आज आज कलीसिया के जो थंब बनना चाहते हैं उनके लिए है। आप लोगों में से भी जो इधर इस लाइन में टीम में खड़े हैं, इधर देखिए मेरी तरफ, इस दीवार वाले, अगर आप कलीसिया का जो थंब बनना चाहते हैं, खंभा बनना चाहते हैं, वो यहीं रुकें, बाकी पीछे चले जाएं। सिर्फ यहां वो लोग हों जो कलीसिया का थंब बनना चाहते हैं। री बना खबर उसी बिनी तनी के भी बिरिशी दाला भरोसा खबर है नमा। इसके बाद आप अपना नाम, अपना फोन नंबर, कहां से आप हैं, आपके शहर का नाम लिखकर और ऊपर लिखकर कलीसिया का खंबा थाम लिखिए, खंबा लिखिए, पिल्लर लिखिए, ऊपर लिखकर कलीसिया का खंबा, नीचे आप अपना नाम, अपने जगह का नाम, अपना फोन नंबर लिख के जाइएगा, ताकि मैं परमेश्वर के साथ सलाह कर सकूं, परमेश्वर से पूछ सकूं कि कौन सा पिल्लर कौन सी जगह पे खड़ा होगा। हालेलुया। निख बुरु सख बनित निख बिरी शिद बिरी रिख हो रि सी बिनी त नख बुरु सख लिरी रे शिद बिरी रे बे, क्योंकि एक बड़ी कलिसिया बनने वाली है, एक बड़ी बिल्डिंग बनने वाली है। बड़ी बिल्डिंग के लिए बड़े खंभे चाहिए और बड़ी कलीसिया के लिए बड़े पिलर चाहिए। लिखा बनाना तना सब रस शिखर सुख बुनो तेनी से भी और सब बला सुख बुनो तेनी के भी रे शिखर ला सब बुनो तनो को और भी बिरिशी दे बिने निखा बबला सब न कबरो सुख बुनो तना। मेरे परमेश्वर पिता, इस समय मेरे परमेश्वर पिता, इस समय जो लोग कलीसिया का थंब बनना चाहते हैं, कलीसिया का पिल्लर बनना चाहते हैं, वो आपके सामने खड़े हैं। हे पिता, जो कलीसिया का बोझ अपने ऊपर लेना चाहते हैं, जो कलीसिया के लिए थंब बनना चाहते हैं, वो आपके सन्मुख खड़े हैं। इस समय वो आपके सम्मुख खड़े हैं। मेरे पिता, इनकी ओर देखिए, मेरे परमेश्वर पिता, इनकी ओर देखिए, हृदय को जांचने वाले परमेश्वर पिता, आज से ये दौड़ दौड़नी शुरू करते हैं, आज से वे इस दौड़ को दौड़ना शुरू करते हैं, और मेरी प्रार्थना है कि ये निशाने तक पहुंचे, रास्ते में पटकाए ना जाएं, रास्ते में पटकाए ना जाएं। रो बनी तना खबर सिखल बोरो सो बोनी तना खबर सिखल सो बोनी तना। तो किसकी तरफ है, किसकी तरफ है, किसकी तरफ है? यहां वो लोग हैं जो कलीसिया का खंभा बनना चाहते हैं। हालेलुया। हे पिता,
एक बात बताऊं, अभी अभी मुझे पवित्र आत्मा ने एक बात कही, बाकी लोग बैठ सकते हैं। पवित्र आत्मा ने अभी मुझे जो बात कही और यह कहा कि परमेश्वर पिता इस समय इन लोगों को जो कलीसिया का खंभा बनना चाह रहे हैं देख रहे हैं। आप लोगों पर परमेश्वर का विशेष ध्यान है इस समय, क्योंकि आप को परमेश्वर एक विशेष कार्य के लिए चुन रहे हैं। आज से आप आम लोग नहीं रहेंगे, मैं फिर कह रहा हूं, अगर आप में से किसी को अभी समझ नहीं आया कि मुझे क्या बनना है, जहां आप किसी वैसे प्रार्थना करवाने के लिए इसमें खड़े हैं तो आप पीछे जा सकते हैं। अगर आप किसी बात के लिए प्रार्थना करवाने के लिए यहां पर खड़े हैं तो आप अभी भी जा सकते हैं। अगर आप किसी बात के लिए प्रार्थना करवाने के लिए यहां खड़े हैं तो आप पीछे जा सकते हैं। आज परमेश्वर उनके लिए कुछ अलग करना चाह रहे हैं। आज आपने कदम बढ़ा लिया है, आज आपने उस लक्ष्य की ओर दौड़ना शुरू कर दिया है। इस दौड़ में परमेश्वर आपको सफलता देंगे, इस दौड़ में परमेश्वर आपको सफलता देंगे। अपना ध्यान परमेश्वर की ओर लगा के रखिए, अपने ध्यान परमेश्वर की ओर लगा के रखिए। ना तो बल से ना शक्ति से तेरे आत्मा के द्वारा यह होगा, तेरे आत्मा के द्वारा प्रभु के आत्मा के द्वारा पवित्र आत्मा के द्वारा रोबला खबा बना तना खबो रो सिखी भी बिशी दिबी रे सिख। आपके मन की हर एक बात परमेश्वर के हजूर में पहुंच रही है। आप जो भी बात कर रहे हैं अभी वो सारी बातें परमेश्वर के हजूर में पहुंच रही हैं। एक लो बनकर परमेश्वर के सिंहासन तक पहुंच रही हैं। इस समय परमेश्वर की निगाह आपके ऊपर लगी हुई है। अभी से परमेश्वर ने विचार करना शुरू कर दिया कि आपके लिए वो क्या करने वाले हैं। अभी परमेश्वर निर्णय ले रहे हैं कि आपके लिए वो क्या करेंगे, आपके लिए कुछ वो अलग करने वाले हैं, आपके लिए वो कुछ अलग करने वाले हैं, आपके लिए आज वो कुछ अलग करने वाले हैं, आपके लिए आज से हमेशा के लिए कुछ अलग करने वाले हैं। आप दीवार नहीं बल्कि पिल्लर बन रहे हैं, पिल्लर बन रहे हैं, पिल्लर बन रहे हैं। होरी बाला खबा बना तना खबा बड़ो सीखी बिनी तना खा। परमेश्वर ने आपको अपने विशेष राज्य के लिए चुन लिया है। वो नहीं जानते थे कि आज ही पिल्लर जो है वो चुने जाने हैं। वो नहीं जानते थे। असली बात तो यह है कि मैं भी नहीं जानता था, मैं भी नहीं जानता था कि आज इन थोड़े से लोगों में से ही परमेश्वर पिल्लर को चुनने वाला है।
आज ये मौका इनको मिलने वाला है। उरी बाला खबर बनी तनो खबरो सिखला सब न तन खबर सिखा बन न खा अरे बिबी रीति बी रीति बी नहीं तो ये काम हम बड़ी भीड़ में करते हैं। परमेश्वर को ये भाया कि आपको राज्य दे, परमेश्वर को ये भाग गया कि आपको ये राज्य दे। उरी बाला सब न था न खा बरो सो खबर नहीं तन खा अरे बिनी खिबी रीति बिशी रीति बी रीति बी। हे पिता, ये वो लोग हैं जो आपसे प्रेम करते हैं, ये लोग 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 आपसे प्रेम करते हैं और कलीसिया के लिए खंभा बनना चाहते हैं। पिता, आज इन्होंने आपके वचनों को स्वीकार किया है, आज इन लोगों ने आपके वचनों का अंगीकार किया है। मेरे परमेश्वर पिता, आपकी आंखें आज इस जमीन पर लग गई हैं, आप इनके बारे में एक बड़ा निर्णय ले रहे हैं, इनके लिए एक बड़ा निर्णय ले रहे हैं। रुबल सब बनी सिखी बिशद खबर हो रही भी मिनी तन खबर सुख बुनी तन खबर। मेरे पिता, इनके अंदर जो भी कोई शरीर के काम है जो आज वचन में पड़े गए हैं उन्हें बाहर निकाल दीजिए। आत्मा का फल विकसित हो, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आत्मा का फल विकसित हो, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आत्मा का फल विकसित हो। इनमें संयम आए, धीरज आए, प्रेम आए। हे पिता, रिबनो खबरो सी खबर नि खबरो सो बोनी तने सिबी ऋषि दे बन ले। आज 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 इन्हें एक मजबूत थम बना दीजिए, एक मजबूत चट्टान बना दीजिए। रिबिरी शिखरी सिखे बिनी नि तना खबा लाला भा हो रिबा ला खबा बरो सो बुनी तना सब न था लखा रिब लिखे बिबिरी थे निखे बेरे सिखा बार ला खो बुरू नि खा हो रिबा ला खबा बरो सो खो बुनी नि मा रिबा ला खबर न मा। आपने इन्हें चुना है, धन्यवाद परमेश्वर पिता। आपने इन लोगों को चुन लिया, धन्यवाद परमेश्वर पिता। आपने इन लोगों को चुन लिया, धन्यवाद परमेश्वर पिता। आपने इन लोगों को चुन लिया, धन्यवाद परमेश्वर पिता। और जितने लोग लाइव देखते हैं और जो लोग निर्णय लेते हैं कि मैं कलीसिया का खंबा बनूंगी, मैं कलीसिया का खंबा बन जाऊंगा, उन पर भी आपकी आंखें लगी हैं मेरे परमेश्वर पिता। पिता तेरी आराधना हो, जीवन तुझको सौंपता हूँ, प्रेम तुझसे करता हूँ। पिता तेरी आराधना हो, जीवन तुझको सौंपता हूँ, प्रेम तुझसे करता हूँ। आप भी कहें, पिता तेरी आराधना हो, जीवन तुझको सौंपती हूँ, प्रेम तुझसे करती हूँ। पिता तेरी आराधना हो, जीवन तुझको सौंपता हूँ, प्रेम तुझसे करता हूँ। हे पिता तेरी आराधना हो, जीवन तुझको सौंपता हूँ, प्रेम तुझसे करता हूँ। प्रेम तुझसे, मैं प्रेम तुझसे, दलेरी के साथ कहें, मैं दावे के साथ, विश्वास के साथ, भरोसे के साथ कहें, हे पिता मैं तुझसे प्रेम करता हूँ, हे परमेश्वर मैं तुझसे प्रेम करता हूँ, हे परमेश्वर मैं तुझसे प्रेम करता हूँ, क्योंकि आपने पहले मुझसे प्रेम किया, क्योंकि आपने मुझसे प्रेम किया, पहले आपने मुझसे प्रेम किया, जब मैं जानता भी नहीं था, उस समय आपने उस प्रेम के अपनी जान कुर्बान कर दी,
उस समय आपने पिता इतना प्रेम किया कि अपने इकलौता पुत्र दे दिया ताकि मैं प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करूं और नाश होने से बच जाऊं, क्योंकि आपने पहले मुझसे प्रेम किया। हे पिता, मैं आपसे प्रेम करता हूं, मैं आपकी भेड़ों की रखवाली करना चाहता हूं, मैं आपकी भेड़ों को चराना चाहता हूं, मैं आपकी भेड़ों की देखभाल करना चाहता हूं, मैं आपकी कलीसिया के आपके लोगों को संभालना चाहता हूं। पूरी बाला सब नसखो, हे पिता आप मुझसे प्रेम करते हैं, हे पिता आप मुझसे प्रेम करते हैं, हे पिता मैं जानता हूं कि आप मुझसे प्रेम करते हैं, हे पिता मैं जानता हूं कि आप मुझसे प्रेम करते हैं, हे पिता मैं जानता हूं कि आप मुझसे प्रेम करते हैं, हे स्वर्गीय पिता मैं जानता हूं कि आप मुझसे प्रेम करते हैं, हाँ हे स्वर्गीय पिता मैं जानता हूं कि आप मुझसे प्रेम करते हैं। कोई भी वैरी मेरे ऊपर प्रबल नहीं हो पाता, इससे मैं जानता हूं कि आप मुझसे प्रेम करते हैं। जैसे आपके वचन में लिखा, दाऊद ने कहा कोई भी वैरी मेरे ऊपर प्रबल नहीं हो पाता, इसलिए मैं जानता हूं कि आप मुझसे प्रेम करते हैं। और आज मैं भी कहता हूं, हे स्वर्गीय पिता रस बोलो सखर रस खबुनसा, कोई भी वैरी मुझ पर प्रबल नहीं हो पाता, इससे मैं जानता हूं कि आप मुझसे प्रेम करते हैं, आप मुझसे प्रेम करते हैं, आप मुझसे प्रेम करते हैं, आपकी निगाह में मैं अनमोल हूं, आपकी निगाह में मैं आदर योग्य हूं। और इसे घेर सुखो बुन सखला सुखो और ये बाला सबना तन्ना खबरों सो और सबला सखा ओरी खाना तन्ना सो बोरो सखा और रासा बन्ना तन्ना खबरों सो को बोना सा इंदर खल बल बह। हे पिता, ये वो लोग हैं जिन्हें आपका आपने उठाकर खड़ा किया है। रू बनी तन्ना खरा सखा और बिनी तने के बेरी शिदरे भी और बल्ला सा बना तन्ना खबरों सो को बोनी मा इंदर खबर सो को बोरो रो बोलो को बोरो सिखा लसा खबना तन्ना को बोरो सा। हे पिता, हे परमेश्वर, हम जानते नहीं थे कि आज ये दिन आ जाएगा, आज ये ऐसा दिन आ जाएगा, आज इतना ब्लेस्ड दिन हो जाएगा। हम नहीं जानते थे कि आज आप कुछ अलग करने वाले हैं, हम नहीं जानते थे कि आज आप कोई बड़ा काम करने वाले हैं। और ये बली सी बना था रसो बड़ो सिखा बारा है और बारिश सिखा बारे डबा निखर सो बुनी तना खबर लबा ये शिख लबर लबा। हो सकता कुछ लोग इन्हें तुच्छ जाने, हो सकता इनके अपने कुछ इन्हें तुच्छ जाने, हो सकता कलीसिया के लोग इन्हें कुछ तुच्छ जाने, लेकिन परमेश्वर पिता ये आज आपकी ओर से हुआ है, ये आज आपकी ओर से हो गया है, ये आज आपकी ओर से हुआ है, ये आज आपकी ओर से हो गया है। ओ रब अल्लाह सखा रो सुखो बुनो सखा रसा बना तरा रसा बल्ला सखा ना सोखो बो रसा को बो ना तन ना सखा रिश्ते के बिजली पे। ये यहोवा की योजना थी, ये मेरे परमेश्वर यहोवा परमेश्वर की ये योजना थी कि वो आपको चुने, आज वो आपको चुने। रू बोनी था ना खबर रसी खबा मनो तन सखो हेरी भी बिरी शिखल सुखो बुनी तन मा हिंदा रसा बल्ला सुखो बनी नी तना और भी बेरे सिखे भी बेरे सिखल बबरो सुखो नीमा इंदा रखा बबरो सिखरी बीशिदरी सिखल सा खबर नमा। आज आपका अभिषेक इनके अंदर आ जाए, आज आपका अभिषेक इनके अंदर आ जाए, आज आपका अभिषेक इनके अंदर आ जाए। और जो लोग मुझे लाइव देखते हैं, जो इस समय मेरे परमेश्वर जिन्होंने कहा है कि मैं कलीसिया का खंबा बनूंगा, जिन्होंने कहा है मैं कलीसिया का खंबा बनूंगा, जिन्होंने कहा है मैं कलीसिया का खंबा बनूंगा, मेरे परमेश्वर पिता वो लोग भी उनके ऊपर भी आपका अभिषेक आ जाए, उनके ऊपर भी आपका अभिषेक आ जाए, उनके ऊपर भी आपका अभिषेक आ जाए। इन लोगों पर आपका अभिषेक हो, इन लोगों पर आपका अभिषेक हो, इन लोगों पर आपका अभिषेक हो। ਉਮੈ ਨਾ ਡਰਾਂਗਾ
विश्वास करांगा मैं ना डरांगा, विश्वास करांगा यीशु दा सिपाही हां, जरूर लड़ांगा मैं ना डरांगा, विश्वास करांगा। परमेश्वर पिता, जितने लोग मुझे लाइव देख रहे हैं या जो चर्च में हैं इस समय, जो लोग प्रभु जी कलीसिया का खंभा बन रहे हैं, इन्हें दलेरी का आत्मा दीजिए, इन्हें दलेरी का आत्मा दीजिए, भय का आत्मा बाहर निकल जाए, भय का आत्मा बाहर निकल जाए, भय का आत्मा बाहर निकल जाए, इन्हें दलेरी का आत्मा दीजिए, 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 आज इन्हें दलेरी का आत्मा दीजिए। रिखा बोरु सब न खबर है सिखा, अपनी बुद्धि दीजिए, अपनी समझ दीजिए ताकि इस काम को वो कर सके, अपनी समझ और अपना ज्ञान दीजिए, अपना प्रकाश दीजिए। रूबला सिखल सखा फर दे मैनू रू नाले पर दे, पर दे पर दे मैनू रू नाले पर दे, पर दे मैनू रू नाले पर दे, पर दे पर दे मैनू रू नाले पर दे। रबल सखा आज इन्हें रू से भर दीजिए, आज इन्हें पवित्र आत्मा से भर दीजिए, आज इन्हें पवित्र आत्मा से भर दीजिए, आज इन्हें वरदानों से भर दीजिए, जो कलीसिया के खंभे बनना चाह रहे हैं, जो आपके सन्मुख खड़े हैं या जो लाइव हैं, भर दीजिए ने, भर दीजिए ने, भर दीजिए ने। भर दीजिए, भर दीजिए, भर दीजिए ने। नुखा बाबा लसा खबा हो रासा बाला सखा लबर नम रिबि ऋषि दबर नम हो रिबि लिख बिरी रिबि श्री बिरि निखा निखा बल लबा। ये एक अनमोल समय है, अपना ध्यान प्रभु की ओर लगा के रखें। पता नहीं कितनी समय के बाद यह समय आया है, अपना ध्यान प्रभु की ओर लगा के रखें, भूल जाएं कि आप कहां पर खड़े हैं। आप परमेश्वर की वेदी के सामने खड़े हैं और परमेश्वर यहां मौजूद हैं। आप परमेश्वर की वेदी के सामने खड़े हैं, परमेश्वर की वेदी के सामने खड़े हैं। रेखा बोरु सुबुनी तना सब लसखा हेरे बिबिरी सिखे बिन्ने सिखी रो बुनी तना खबरु सुबुरु तेरे सिखे बिबिरी था रब लसबना तना खबरु सिखा पूरी बल्ला बाबा बरा तो बाबा ना तनक खबरो सिखा ला बाबा रा दबर लबा। अब समय आ गया कि परमेश्वर अपने लोगों को राज्य दे। री बल्ला सिख भी री ऋषि री सिखा लबर नमा आत्मक सामर्थ परमेश्वर आपको दे रहे हैं, आत्मक सामर्थ परमेश्वर आपको दे रहे हैं। हो री बल्ला सखा ताकि आप मजबूती के साथ खड़े रह सके, वो आपके पांव को बल देते हैं, वो आपके पांव को बल देते हैं, वो आपको पांव को बल देते हैं, आपके पांव को बल देते हैं, वो आपको बलवंत करते हैं, सामर्थ्य बनाते हैं, दलेर बनाते हैं। ऋषि बिरी सिखर सुख बने तना हूरी बाला खबन इथलाखा रिबिनी तनिखी बेबी ऋषि बिरी रिखी हूरी बाना न ममा। पवित्र आत्मा जी हमें जरूरत है आपकी, पवित्र आत्मा जी हमें आपकी जरूरत है, पवित्र आत्मा जी हमें आपकी जरूरत है, पवित्र आत्मा जी हमें आपकी जरूरत है, पवित्र आत्मा जी हमें आपकी जरूरत है। ये जो कलीसिया के खंभे हैं हो री बला खबा बरोसा खा हेरे बिभिषित माह हर एक का नाम यादकारी की पुस्तक में लिखा जाए, क्योंकि इनके नाम तो पहले ही जीवन की पुस्तक में लिखे जा चुके हैं। आज जिन्होंने फैसला किया है, चाहे जो मुझे लाइव देखते हैं चाहे यहाँ पर हैं, जिन्होंने फैसला किया है कि वो कलीसिया के खंभे बने, ये सारी बातें यादगारी की पुस्तक में लिखी जाएं, ये आपके हजूरी में लिखी जाएं स्वर्ग पिता, और इस लायके ने बना दीजिए अभी 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 और इसी क्षण इसी क्षण इसी क्षण इसी क्षण इसी क्षण ये लोग आपके सन्मुख खड़े हैं पिता। ये वो लोग जो जो आपसे हृदय की ग्राहियों से प्रेम करते हैं, हे स्वर्ग पिता, यही वो लोग हैं जो आपसे प्रेम करते हैं, 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 क्योंकि आपने इनसे प्रेम किया है, क्योंकि आपने इनसे प्रेम किया है,
और अब रसा बना तना खबरों सा और इबिरी शिदिरी सिखिरी शिदा रसो खो हाला बाबा रसा और इबिरी शिद बरना का दा बाबा रसा बाबा रसा बाबा नी तनी सिबिरी इन बेरी रे बिशे दा बाला बाबा रसा रखा बोरु सो बने तना मा इन बेरी नी सबा बाबा रसा रसा बाबा दा बारे नखा इन बेरी नी खबर ला बारे थरो सबर दे बेरी रे बी हिंद बेरे नि में तेरे बेत गेरे रे बिशे दा बाला बबरु सो बोरे नि मता रबा दा गला बारे लखा अरे बेरे दे बेरे रे बिशे दे बेरे रे बेत तेरे बेत गेरे रे बिशे दा बाला बाला ला बारे दा बारे रबा पिता ने नया बना दीज गए पिता ने नया बना दीज गए शरीर काम बाहर निकले आत्मिक फल अंदर आए आत्म वरदान मिले पिता ने नया बना दीज गए पुरानी बातें बीत गई अब ये नए हो रहे हैं नए हो रहे हैं परमेश्वर आपको नया बना रहा है अपने काम के लिए इस्तेमाल करने के लिए आपको कलीसिया में एक खंबा बनाने के लिए रो बरा सी बना था माना न खबर उसी हेरे बे बेरी थबर रो बथे रे बेत गेरे रे बी ओ रा सा बाला सा खा रा सा खा बना तो न सुखू ओरी बा होरी बारा खबा बरा थारा बसी दे बेरी रेखा अरे बना ता ना खबर उसो बुद बुद रे बेशे दे बेरी डिबे रो बनी ता ना माथा लबा बरी थबर लबा ओ हालेलुया ओ हालेलुया हालेलुया वासे अभिषेक का तेल लेकर आए ओ रबा बाबा नी तना खबर असी हिरी बिरी ऋषि दबाला बबरुसा हरी बनी ते मिनी नीमत आरा बता बारे रा बारी दबालो लो खबरो सोबो हिरी बिरी रिब तेरी बित गिरी रिब शिरी बिरी रिब ओ रबा ला खबर असा कहे हे पिता मैं तुझसे प्रेम करता हूँ हे पिता मैं तुझसे प्रेम करता हूँ हे अपने मन की बातों को ढेल दें अपने मन की बातों को परमेश्वर के सन्मुख ढेल दीजिए अपने हृदय को परमेश्वर के सन्मुख ढेल दीजिए जो आपके मन में परमेश्वर के सन्मुख ढेल दीजिए परमेश्वर से कहें हे पिता मैं तुझसे प्रेम करता हूँ हे प्रभु यीशु मसीह मैं तुझसे प्रेम करता हूँ होरी बाला खबा बारा ताना खबो होरी बेरी रे बेरी दे बेरी ऋषि दाला सबा होरी बेमिनी तना सा होरी बेबेरी ऋषि दबर नमा हे पिता मैं तुझसे प्रेम करता हूँ 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 और हालेलुरी का सबा इन दर खबर उसी बुरी निखा इन दिन खबर रबा दबा लबा जब दाऊद ने राजा बनना था तो अचानक वो दिन उसके जीवन में आ गया था जब शाऊल को राजा बनाया गया तो अचानक वह दिन उसके जीवन में आ गया था आज एकलिसिया का खंबा बनने के लिए अचानक दिन आपके जीवन में आ गया है आपने सोचा तक नहीं होगा मैंने भी सोचा नहीं था आपने भी नहीं सोचा होगा लेकिन आज वह दिन आपके जीवन में आ गया है पूरी बाला बबूर सीखा अरे खबा ना तन सुखो बुरु हो रही सीख ले बेरे भी परमेश्वर की इच्छा है कि वो आपको ऊंचा करे परमेश्वर की इच्छा के वो अपनी महिमा आप पर प्रकट करे परमेश्वर की इच्छा के अपने जलाल को आप पर प्रकट करे परमेश्वर की इच्छा के आपके जीवनों के द्वारा चमत्कार करे होरी बालखा होरी बालखा बबुरु सिख लबर नमा आपको धधकती आग बनाते हैं प्रभु आपको धधकती आग बनाते हैं परमेश्वर आपको धधकती आग बनाते हैं बुझी हुई नहीं ठंडी नहीं होरी बाला सिबिनी तिनी खबरो सोबोनी तना खबा बरसा होरी सिबिरी शिदिरी सिखाला बाला लबा हिंद भी नहीं तमानो न मथरे सीख ली भी होरी भी शिदिरी सिखाला बारा ना सो आज मैं अभिषेक करना चाह रहा हूं आपका ओ हालेलुया आपकी एक नई शुरुआत के लिए आपकी एक नई शुरुआत के लिए रे सिखरमा एक नया अभिषेक हो रे बे सिबिरी शिदिरी सिखरी सिखरमा परमेश्वर आपको बुद्धि देंगे इस काम को करने के लिए परमेश्वर आपको समझ ज्ञान और प्रकाश देंगे कि आप कलीसिया का खंभा बनकर क्या करना है आपको वो आपको सिखाएगा पवित्र आत्मा जी आपको बुद्धि देगा पवित्र आत्मा जी आपके संग रहेगा पवित्र आत्मा जी आपको गाइड करेगा ए बेरी सिबिरी शिराला बबरा सखल बने निखा इंद बिरी निखा बरो सबरा बबरा तबर नमा जितने लोग मुझे लाइव देखते हैं उनके माथे पे मैं हाथ रख रहा हूं और उनका अभिषेक करता हूं हे पिता जितने लोग मुझे लाइव देखते हैं उनका आज अभिषेक करता हूं जो लोग कलीसिया का खंभा बनना चाह रहे हैं उनका मैं आज अभिषेक करता हूं कि वो कलीसिया का खंभा बन जाएं इसी समय उनका मैं अभिषेक करता हूं
इसी समय उनका मैं अभिषेक करता हूं। हे पिता, मैं उनसे दूर हूं लेकिन आप तो उनके पास हैं। मेरा यह हाथ उन तक नहीं पहुंचता, आपका हाथ उन तक पहुंचता है, इसलिए अपना हाथ को बढ़ाएं, उनके सिर पर रख दीजिए, उनका अभिषेक कर दीजिए। धन्यवाद पिता, आपने मेरी प्रार्थना को सुन लिया। उन्हें छू लीजिए, जितने लाइव मुझे देखते हैं उन्हें छू लीजिए, उन्हें छू लीजिए, उन्हें छू लीजिए, उन्हें छू लीजिए मेरे परमेश्वर पिता। और जितने चर्च के अंदर हैं, हे पिता मैं आपका अभिषेक करता हूं इनको ऋषि, ताकि आपका अभिषेक उतरे। आपने दानियल को प्रवीणता दी थी, और मेरे परमेश्वर पिता हर शास्त्रों की प्रवीणता, हर बात में प्रवीणता दी थी, ऐसे ही इन्हें प्रवीणता दें ताकि इस काम को पूरा करें। निमो तो रसी बी ऋषि दरी और अबला खबर उन्हें खबर लबा। हे पिता और सीखी री बी शिदर नमा, आपका यह पवित्र लहू से इनका अभिषेक करता हूँ। आप स्वर्ग से ऋषि बिनी खौरसा अभिषेक कीजिए। हो हालेलुया, हो हालेलुया, हो हालेलुया। रबा सिखरसा खमाता ना सखा और ऋषि बिनी नि तना खबरोसा और बना तना खबर सिखा बन नमा और असि बिनी तिनी खिबिरी रिबि और ऋषि बिनी तना मा था खबर नमा और बशिखल बन नमा और पिश्य दिबिन निमी और असा बना तना खा। पवित्र आत्मा जी इनका अभिषेक कीजिए, इनका अभिषेक कीजिए, अभिषेक कीजिए। होरी बिरिशि बिनी तम नम होरी बला खबर नम होरी बना तम नम होरी बशिर बिर रिबि नो खबर ला बरसि दे बिरि निमि ये दे बिरि सिख बिनी निखा और बबला सब न तम और बी विश दे बिनी निमि। पवित्र आत्मा जी आज अभिषेक कीजिए इस कार्य के लिए, अभिषेक कीजिए इस कार्य के लिए, अभिषेक कीजिए। रिखा बनो नम थी आज अपना अभिषेक कीजिए, अपना अभिषेक कीजिए, अपना अभिषेक कीजिए, अभिषेक कीजिए। ऋषि बिनी त न सख लबा और रसा बना त न खबर आसा इंदर सुख बनी तमन नम। परमेश्वर पिता और अपनी जगह पर रहिएगा, मैं अपने आप सब करूंगा, अपनी जगह पर रहिए। और बल ऋषि बिनी तने खबर लबो और ऋषि बिनी निमी मेरे परमेश्वर पिता, मेरे परमेश्वर पिता, मेरे परमेश्वर पिता अपने अभिषेक कीजिए, अपने अभिषेक कीजिए। रो बनी त न मसीदे बे रे बिश दे बिन निमी और ऋषा बना नम। परमेश्वर पिता अपनी जगह पर रहिए। आज एक कलीसिया का खंबा बनने के लिए इनका अभिषेक कीजिए, अभिषेक कीजिए। और अबला सखा बने निसा बला सा और अबरा सखा बना तो न सखा मेरे परमेश्वर पिता और ऐसे बेनी निमा अभिषेक कीजिए इनका, अभिषेक कीजिए इनका, अभिषेक कीजिए इनका। रो बनी तो न सा बला सा और ऐसे बेनी नि ना खबर हो सबर और बेबी ऋषि दे बेनी निमा तरा और अब बाबा सिखा बना नमा इंद बेन नि था बरा सा और बेबे ऋषि दे बेन निमे अभिषेक कीजिए। पत्रात्मा यह अभिषेक कीजिए, पत्रात्मा अभिषेक कीजिए इस कार्य के लिए। और बल से बिनी न मम थर बाबा सखा बने नमा और बला सिखा बने नमा मेरे परमेश्वर और बाबाला सखा लबा अपना अभिषेक, अपना अभिषेक, अभिषेक कीजिए। और से बिनी सखा रबा और बल से बिनी तना खा और बला बाबा बाबा सिखा बन नमा और सब बनाना खा भरोसा अभिषेक करें मेरे परमेश्वर, अभिषेक करें इस कार्य के लिए, अभिषेक कर इस कार्य के लिए, अभिषेक कर इस कार्य के लिए। और अब बरा सिखा बने नहीं तना सको और इसे बेबरी शेदे बेन निमी हो रहा बार इन दबा ने नांदा बोनो नमो तो रे बस सिखा बाले लखा और बेबरी सिखे बेनी नहीं खा और बेबरी से बेनी ने बोले रे भी और अब बाबा लखा बने नमा अपना अभिषेक, अपना अभिषेक सिखा रा सिखा नमा और बेबरी तनिक के बेरी रे भी शेदरा सखा और असबला सखा ने मिते मिनी निमी अपना अभिषेक कर मेरे परमेश्वर पिता और बेबरी शेदे बेन नहीं खा बरोलो और बेबरी शेदे बेरी रे भी और इसे बल बाबा सिखा नमा सो जिनका अभिषेक हो गया वो थोड़ा सा पीछे हो जाइए। और बना खबर सिखा बल सखा लबा और इसे बिनी तना मा सो बो हो लॉर्ड जीसस मेरे परमेश्वर पिता रो बला बाबा सखा बने निमा और बेबरे तेनी खबर लो बो सीधा बन नमा अभिषेक कर मेरे परमेश्वर पिता इस कार्य के लिए, अभिषेक कर मेरे परमेश्वर पिता इस कार्य के लिए, अभिषेक कर मेरे परमेश्वर पिता इस कार्य के लिए। और बला सखा बने नमा
ओरे बसीदे बने नस्सा बलो सुखो ओरे बेबरीते ने मिशीदे बेरे निस्सा खर बने नम्मा ओरे बेमनी तमन ना खबर उलबो। मेरे परमेश्वर पिता अपना अभिषेक करें इस कार्य के लिए, इस कार्य के लिए अपना अभिषेक करें। मेरे परमेश्वर पिता अभिषेक करें, अपना अभिषेक करें इस कार्य के लिए, 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 अपना अभिषेक करें इस कार्य के लिए। मेरे परमेश्वर पिता रे सखा बन नमा अपना हार बढ़ाए रे से बिनी तन खो बो और सिखल बन नमा अपना अभिषेक करें मेरे परमेश्वर पिता इस कार्य के लिए। और अबला खा बन निमा अपना अभिषेक करें मेरे परमेश्वर पिता इस कार्य के लिए। और ऐसे भी नहीं तमन ना खा मेरे परमेश्वर पिता अपना अभिषेक करें, अपना अभिषेक करें इस कार्य के लिए, अपना अभिषेक करें इस कार्य के लिए। जिनके जिनके सिर पे हाथ रखकर प्रार्थना होगी है थोड़ा सा पीछे हो जाए दूसरों को आगे रिबरा से बला सबरा और बेबरे तबे निमा परमेश्वर पिता अपना अभिषेक करें, अपना अभिषेक करें, अपना अभिषेक करें, अपने अभिषेक करें। परमेश्वर पिता अपना अभिषेक करें, अपना अभिषेक करें, अपना अभिषेक करें, अपना अभिषेक करें। और ऐसे भी नहीं तमन ना खबर हो सुबह और भी नहीं तना खबर है सिख खबर है नम और बिरशे भी नहीं खबर अला और भी मित न खबर अला। बा आज ये कलीसिया के थम बन जाए, आज 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 कलीसिया के थम बन जाए। ठीक है मेरे सिख खबर अला बा और असिख खबर है नम। और अब सिखा ला बारा नमा इन दिन निमिषि बिरी जिनका अभिषेक नहीं उनको आगे आने दे, जिनका अभिषेक हो गया उनको पीछे हो रही बार अस्सी पर शेद बिरी बिशेद बल सब हो रही बी मिनी तना मा सा बला बाबा सिखा बारा नमा। मेरे परमेश्वर पिता अपने कलीसिया का खंबा बनने के लिए अभिषेक करें मेरे प्रभु रिबा नमा था बाबा सिखा बाल ला खबर नमा हो रही सी बिरी निमी अपना अभिषेक कर मेरे परमेश्वर पिता अपना अभिषेक कर, अपना अभिषेक करें, अपना अभिषेक करें मेरे परमेश्वर पिता अपना अभिषेक करें मेरे परमेश्वर पिता अपना अभिषेक करें, अपना अभिषेक कर मेरे परमेश्वर पिता अपना अभिषेक करें। हरी बनी सिख बने नमा वीरा आगे आ जाओ रो बने खबर सिख बारे ना हो रही बाला खबर है नमा। मेरे परमेश्वर पिता अपना अभिषेक करें प्रभु अपना अभिषेक कर प्रभु जी अपना अभिषेक कर इस सखा बने निशा और अब लस्सी भी नहीं तेनी खबर उसो बुनी तमाम इंद बे नहीं से बेरे रे बिशे दे बेरे डे बे और आसा खा लबा। परमेश्वर अपना हाथ को बढ़ा और अभिषेक कर ही नहीं जीसस लिखा बुनी नहीं तना खबा ओला आउट जीसस। परमेश्वर अपना हाथ बढ़ा और अभिषेक कर मेरे परमेश्वर पिता ओ जीसस क्राइस्ट रिखा बुनी नमा अपने सेवकाई के लिए इनका अभिषेक कर मेरे परमेश्वर पिता अपनी सेवा के लिए रे बेरे से भी नहीं तना खबर उस सबा और बे नहीं तमें नमा और बना खबा मेरे परमेश्वर पिता रिब रित बिरी ऋषि दबर नमा अपना अभिषेक कर परमेश्वर अपना अभिषेक कर, अपना अभिषेक कर रे बरा सखा बने नित न खबर उसो इन बिन न सबला। परमेश्वर पिता यकलिसिया के खंबे बन जाए मेरे परमेश्वर पिता यकलिसिया के खंबे बन जाए, यकलिसिया के खंबे बन जाए, यकलिसिया के खंबे बन जाए मेरे परमेश्वर पिता यकलिसिया के खंबे बन जाए मेरे परमेश्वर पिता यकलिसिया के थम बन जाए मेरे परमेश्वर पिता यकलिसिया के थम बन जाए मेरे परमेश्वर पिता यकलिसिया के थम बन जाए रे खबर नमा परमेश्वर परमेश्वर पिता यकलिसिया के थम बन जाए और बोलो सी बनाता ना खबर सुखो और बला बाबा रात बार नमा बाबा रा सिखा बन नमा मेरे परमेश्वर पिता यकलिसिया के थम बन जाए मेरे परमेश्वर पिता रिबना था मान नमा मेरे परमेश्वर पिता यकली सख थम बन जाए, यकली सख थम बन जाए, यकली सख थम बन जाए रो बोले से बेरे रे बिशे रे से बनाना और बेरे से बेनी तम नमा तारा बाबा ला खबर हो और बेबरे से बेरे नि में तेरी बित गेरी रे मेरे परमेश्वर पिता यकली सख थम बन जाए रे बना तारा सब बना तना मा और बेबरे से बेरे रे से ओला खबर नमा। आज आपने इन्हें चुना है कि आपने आप राज्य दें, आपने सुना है कि इन्हें राज्य दें मेरे परमेश्वर पिता रो बल सिबा ना खबल लबा अपना अभिषेक कर दीजिए, अपना अभिषेक कर दीजिए और अभिषेक दे सिखा रासा उन दा बाबा नो तन सुख बुरो सिखा ला ओ लॉर्ड जीसस परमेश्वर पिता अपना अभिषेक कर, अपना अभिषेक कर
इस कार्य के लिए अभिषेक कर, इस कार्य के लिए अभिषेक करें। रिबन तना सबर और सिखा लबर रा इंदा ना सब रिबी ऋषि देवी रिबी रिबी तेरी बित गिरी रिबी रोबन इतना मथा बर अस्सी भी। सब लोग प्रार्थना करते रहे, जो लोग आगे हैं निखबर सिखबर ऋषि बिरी और बिबिनी तना मथा रा बाबा रथ बर लबा और बिबिरी दिबे रिडे बिशे दिबे निमि तिबे ऋषि दिबे निमि तेरी बित गिरी रिबी शे दिबे रिबी। मेरे परमेश्वर पिता, 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 ओरी बाला खबारा सीखा। मेरे परमेश्वर पिता अपना अभिषेक कर, मेरे परमेश्वर पिता अपना अभिषेक अपने सेव के लिए अभिषेक कर मेरे परमेश्वर पिता। हो रे बाबा ला सब नतना खबर उसा हो रे बीबी श्री बिनी निमी अपना अभिषेक कर मेरे परमेश्वर पिता। रिबन थन सो खबर लबा हो रे बना तमन ना खबर लबा ऋषि बिनी निषेध बिनी निमी हो रे सी बिनी तना खबर उसा। ओ लॉर्ड जीसस जल्दी से जो लोग रह गए हैं, जो लोग आगे खड़े थे, जो कलीसिया का थंब बन रहे हैं आज, सिर्फ वो लोग आगे आए, दूसरा कोई प्रार्थना कराने के लिए आगे मत आइएगा अभी। और बला बाबा रास्ता और बना मामा मेरे परमेश्वर पिता अभिषेक करें इनका इस नई नए कार्य के लिए, नए सेवक के लिए अभिषेक कर मेरे परमेश्वर पिता। और बना मामा था ना साखा बल लबा और बेबे ऋषि देबे नी माता रखो बो रो बोनी तमन ना खबर लबा अभिषेक कर मेरे परमेश्वर पिता। और बेबे ऋषि देबे नी खबर रो बो सीधा बने नी खा अभिषेक कर मेरे परमेश्वर पिता। और बरा सी बने तना खबर लबा अभिषेक कर मेरे परमेश्वर रो बो रे थबन नमा और बेबरे दे बेरे रे सिखा लबा नमा सिख नी तना को बोरो और बेबरे से बेनी नी मतारा बाबा रा सखा लबा नमा रे बोलो सिखा लबा नमा परमेश्वर पिता अपने अभिषेक कर रो बोली से बेरे रे शेरे बेनी में पिता अभिषेक कर रे से बेनी तना सखा बोरो लबा और से बेरे रे शेरे बेनी मा और अब अल्लाह सब न तनाखा और ऐसे भी नहीं था माना नमा। अगर आप में से कोई रह गया है तो आगे आ सकता है, कोई भी रह गया तो उरी बिरी श्री बिर से भी नहीं तनाखा और अब अल्लाह बाबा रा सिख बिर थे रिबे ते गिर रिबे इंद बिन नि खबर हो सब नहीं तमा मथा रा बाबा ये रिबे श्री बिर निमी और इसे बिर रिबे श्री बिर रिखे रिबे श्री बिर निमी Thank you, Jesus. Thank you, Lord. हो रहा सबाला लब आप आगे आ जाइएगा हो रहा फांसी का बनो ना तना सबाला सा इन दबार ना खबर सबर बहुत अनियमित मिनी ने किबे रे रिबी प्रभु से कहें हे प्रभु यीशु मसीह जी आपका धन्यवाद आज आपने मुझे चुना कि मैं आपकी कलीसिया में थंब बन जाऊं यकूब की तरह यहुन्ना की तरह कैफा की तरह जानी के पत्रस की तरह हे पिता हे पिता हे पिता धन्यवाद करता हूं आपने मेरी प्रार्थना सुन ली आपने मेरी प्रार्थना सुन ली आपने मेरा अभिषेक किया हे पिता आपने मेरा अभिषेक किया स्वर्ग से मेरा अभिषेक किया आपने स्वर्ग से मेरा अभिषेक किया आपने स्वर्ग से मेरा अभिषेक किया धन्यवाद परमेश्वर पिता धन्यवाद परमेश्वर पिता अपने अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाइएगा हो रहा बारासी बारासी खबा बारा ना खबर उसो बोनो तमा ना नमा अपने हाथ सर के उठाएं और मैं ये कहने वाला हूं पवित्र आत्मा जी ने शो जब मैं कहूंगा विनती करूंगा पवित्र आत्मा जी से एक ही बार कहूंगा पवित्र आत्मा जी ने शो जैसे ही मैं कहूंगा उसी समय पवित्र आत्मा की सामर्थ आप में आएगी तो दोनों हाथों को ऊपर उठाइए और तैयार हो जाइए मैं कहने वाला हूं पवित्र आत्मा जी इन्हें शू पवित्र आत्मा जी इन्हें शूल 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 पवित्र आत्मा जी
एक नया अभिषेक, एक नई सामर्थ, नया अभिषेक, नई सामर्थ, नया अभिषेक, नई सामर्थ। आज हम आपके राज्य के लिए तैयार होते हैं। हुनवारी ये मेरी यशु दे अख्तियार मैनू, 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 हुण वारी है मेरी। प्रभु नु कहो हुण वारी है मेरी, हुण वारी है मेरी, हुण वारी है मेरी। यीशु दे अख्तियार मैनू, अधिकार मैनू। कहे हुण वारी है मेरी, हुण वारी है मेरी, यीशु दे अख्तियार मैनू। हां हुण वारी है, पहले बारी थी, पहले बारी थी किसकी? पतरस की। पहले बारी थी यूहन्ना की। पहले बारी थी यकूब की। हुण वारी है मेरी, अब मेरी बारी है, अब मेरी बारी है, अब मेरी बारी है, अब मेरी बारी है। पहले बारी थी यूहन्ना की, यकूब की, पतरस की, अब मेरी बारी है। अब मैं कलीसिया में खंबा बन गया हूं, अब मैं कलीसिया में खंबा बन गया हूं, अब मैं कलीसिया में खंबा बन गया हूं, अब मेरी बारी है, अब मेरी बारी है, अब मेरी बारी है। हुण वारी है मेरी यीशु दे अख्तियार मैनू, हां हुण वारी है मेरी यीशु दे अख्तियार मैनू, हुण वारी है मेरी यीशु दे अख्तियार मैनू, हुण वारी है मेरी यीशु दे अख्तियार मैनू। धधकती आग बनाने के लिए धन्यवाद, धधकती आग बनाने के लिए धन्यवाद। अपनी अकल, अपनी समझ, अपनी बुद्धि, अपना प्रकाश, अपना ज्ञान देने के लिए धन्यवाद, धन्यवाद परमेश्वर पिता, 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 धन्यवाद परमेश्वर पिता। हुण मेरी वारी आ गई है, आज से मेरी वारी आ गई है, आज से मेरी बारी आ गई है, आज से मेरी बारी आ गई है, आज से मेरी बारी आ गई है। कलीसिया में थम बनने की, खड़े होने की, कलीसिया की जिम्मेदारियों को उठाने की, कलीसिया को जिम्मेदारी को उठाने की, मेरी बारी आ गई है। हे पिता, मैं आपके लिए खड़ा हूं, आपके लिए खड़ा हूं। हे पिता, मैं आपके लिए खड़ा हूं, हुण मेरी वारी है। रिबल सिखल सुखोरा, मुझे इस्तेमाल करो, मुझे इस्तेमाल करो। हे पिता, हुण मेरी वारी है, मुझे इस्तेमाल करो। मैं खड़ा हूं चट्टान पर, तू जो चट्टान है, आप जो चट्टान है प्रभु जी, आप पर खड़ा हूं, चट्टान बनकर, खंबा बनकर। हुण मेरी वारी है, हुण मेरी वारी है, हुण मेरी वारी है, हुण मेरी वारी है। शैतान को पांव नीचे रौंदने की, दुष्ट आत्माओं को पांव नीचे रौंदने की, नशेबाजियों को पांव नीचे रौंदने की, शरीर के कामों को पांव नीचे रौंदने की, अंधकार की ताकतों को पांव के नीचे रोंदने की, हुण मेरी वारी है। रिसखर सुख बनो तन सखल सख, शैतान की योजनाओं को फेल करने के लिए स्वर्गीय पिता आपका धन्यवाद करते हैं। शैतान की योजना थी कि आज सब कुछ नष्ट हो, आज सब कुछ उल्टा पुल्टा हो जाए, लेकिन परमेश्वर पिता आपने उसकी योजना को पलट कर रख दिया। धन्यवाद स्वर्गीय परमेश्वर पिता, धन्यवाद स्वर्गीय परमेश्वर पिता। इससे मैं जान गया हूं सब कंट्रोल आपके हाथ। आज आप इतने पिल्लर एक साथ खड़े करने वाले हैं, मैंने नहीं सोचा था, लेकिन आपकी योजना थी, आपकी योजना थी, आपकी योजना थी परमेश्वर पिता, आपकी योजना थी। धन्यवाद करता हूं, धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे इस्तेमाल किया कि मैं इस काम को करवा सकूं। शुक्र हो परमेश्वर, आपने मुझे इस्तेमाल किया। धन्यवाद परमेश्वर पिता, आपने इस्तेमाल किया। जितने लोग लाइव थे प्रभु, आपने उनके भी अभिषेक किया है, क्योंकि उनमें से बहुत से उठ खड़े हुए हैं इस काम के लिए। धन्यवाद पिता, मेरी प्रार्थना को सुनने के लिए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से ये प्रार्थना मांगते हैं। हे स्वर्गीय पिता, इस प्रार्थना को सुने और ग्रहण कर लें। आमीन, आमीन, आमीन।